नहीं शाम को कर दो। अभी सीट दिख रही है, ये थियरी वाली सीट है, इसपे हम लोगों ने किया था शुरुआत में। ये सारा टॉपिक हो गया है। ऑल टॉपिक भी हेड कवर ऑलरेडी। इसमें हमारा दो पार्ट है कि ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, अगर आपको ये करना है तो इसको पहले करा देंगे। सब आ गया कि हम लोग स्टार्ट करें? आई डोंट थिंक कि सब आएगा, सब ग्रेट है। एक तो ये स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है, इसको इसको हमें समझ के रखना है, खाली याद करके रखना है, बेसिकली सारा फैक्ट है। और हमें एक पढ़ना रहेगा डिफेक्ट्स। कैन वी वेट फॉर 1 or 2 मिनट मोर और वी कैन स्टार्ट? स्टार्ट करें। हरलीन स्टार्ट किया जाए? नितिका यस सर। चलो, ये दो तीन स्ट्रक्चर है, आप क्या पहले पढ़ोगे? बोला डिफेक्ट पहले पढ़ोगे कि स्ट्रक्चर? ये डिफेक्ट पहले पढ़ना है कि स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल? स्ट्रक्चर करा दो सर। स्ट्रक्चर पहले पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर जो पहले पढ़ोगे तो हमारे जो दो नए बच्चे उनके लिए खाली प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना? मेरे हिसाब से पहले डिफेक्ट पढ़ लो, लास्ट में हम क्या करेंगे इसका स्ट्रक्चर लास्ट में कर लेना, ठीक है ना बेटा? डिफेक्ट पढ़ लोगे तो क्या होगा, जो नया बच्चा उसको भी बात। हरलीन खाली नहीं है इसमें, और सारे बच्चे तो वही है, तो मुझे लग रहा डिफेक्ट आप पहले कर लो, लास्ट में फिर हम क्या करेंगे जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग आपको स्ट्रक्चर वाला पार्ट पूरा करा देंगे। गॉट इट? ओके सर। ओके सर। चलो ये हमारा गया स्टार्ट। पेंट वाला सीट दिख रहा है तुम्हें? यस सर। हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड ना, अब ये टॉपिक आते ही ना दिमाग में बात आती है कि सर अब हमने तो पे शुरुआत किया था कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो अरेंजमेंट होते हैं कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, मतलब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा और परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, तो डिफेक्ट कहाँ से आ गया? तो एज वी नो दैट नथिंग इज यू नो, कोई भी चीज़ हमारी आइडियल होती नहीं है। आप जब क्रिस्टल्स के क्रिस्टल का फॉर्मेशन की भी बात करते हो ना, तो यू कैन नॉट मेक आइडियल क्रिस्टल, क्योंकि आइडियल क्रिस्टल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, आइटम्स की पैकिंग होती रहती है, तो देर इज अ चांसेस ऑफ डिफेक्ट। हम अगर पूरे मकान को भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आती है, यू कैन नॉट मेक यू नो आइडियल हाउस इवन। तो सिमिलरली कहता है जो डिफेक्ट सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में भी डिफेक्ट आने के, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, इम्परफेक्शन। डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इम्परफेक्शन, मतलब परफेक्शन नहीं है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। जैसे हम बात करते थे ना आइडियल सॉलिड होगा तो हमारे पास जैसे ए होगा, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, लाइक दिस यू नो, अल्टरनेट हम बात करते थे, बी आया फिर ए आया, फिर ये आपको मान लो बी है देन ए है, ए है देन बी है देन ए है, लाइक ये आइडियल है, इज इट? दिस इज सेड टू बी आइडियल। आइडियल सॉलिड का मतलब होता है कि जिसको जहाँ पे जो सीटिंग प्लान मिला वहीं जाके बैठना है, बट इसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, आइडियल हमारा सॉलिड आगे क्रिस्टल बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ड्यूरिंग फॉर्मेशन हो, जब ये क्रिस्टल बन रहा था उस समय भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या हम इसको डायरेक्टली क्या करें बेटा, हीट कर दें। हीट करने पर ऐसा हो जाए कि मान लो एटम ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ बी आया, यहाँ ए को आना था, ये यहाँ से गायब हो चुका है, आपको दिख रहा होगा ए नहीं आया यहाँ पे, अगेन बी, देन यहाँ पे बी, देन पता लगा कि फिर से किसको आना चाहिए, ए, फिर यहाँ पे बी गायब हो गया। तो व्हाट यू विल से, ये जो क्रिस्टल हमने देखा, ये जो हमारा नया क्रिस्टल बना सॉलिड, ये आइडियल तो अब नहीं बोला जाएगा, इज इट? यहाँ पर हमें कुछ होल्स दिखाई दे रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, होल, ठीक है ना, होल आने पर्टिकुलर लैटिस साइड, जहाँ पे एटम को आना था एटम आए नहीं, क्लासरूम में जितने बच्चे थे उतने आने थे, सीटिंग प्लान सेट है, कुछ बच्चे क्लास में आए नहीं, क्लास नहीं आए तो क्या हुआ, वहाँ पर हमारा इम्परफेक्शन हो जाएगा,
वो सीट खाली रह जाएगी। तो जब ये सीट खाली हो जाएगी, होल क्रिएट हो गया, तो हम इस सॉलिड को क्या बोलेंगे कि ये डिफेक्टेड सॉलिड, देयर इज अ डिफेक्ट आ गया इसमें, डिफेक्ट इन सॉलिड। एनी डेविएशन, एक तो ये चांस होता है कि जहां एटम को बैठना था वहीं पे वो वैकेंसी, आपको यहाँ पे वैकेंट प्लेस मिल गया। ऐसा भी हो सकता था, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि एटम ए को, बी को यहाँ बैठना चाहिए था, बी वहां पे नहीं है, बी बी यहाँ कहीं बीच में चला गया, ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सर अंदर पॉसिबिलिटी, बी को जहाँ पे बैठना था वहां पे नहीं बैठा, कहाँ चला गया बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस आ गया, दिस इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी। आप अपने क्लासरूम में गए, आपको अपनी सीट पर बैठना था, आप अपनी सीट पर नहीं बैठते, तो आप कहाँ चले जाते हो, इन बिटवीन में आप घूमते रहते हो। तो हम यहाँ पे भी इम्परफेक्शन आएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट होगा, वैकेंट स्पेस कब जनरेट होगा, जब जिस आइटम को अपने पर्टिकुलर पॉइंट पे आना था वहाँ से परमानेंटली मिस हो गया, परमानेंटली मिस हो जाए या आया ही नहीं, इन बोथ द केसेस देर इज अ डिफेक्ट, दैट इज सेड टू बी इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड, गॉट इट। अब ये डिफेक्ट कहता है दो तरीके का हो सकता है, एक तो ये हो सकता है जिस जहाँ पे एटम को आना था वहां पे नहीं आया, तो इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, दिस इज सेड टू बी पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कब बोलेंगे बेटा, कि जब ये डिफेक्ट क्रिएट, जहां पे डिफेक्ट जो हमें मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, एट द लैटिस साइट या उसके नियर बाई में मिल रही है। आप क्लासरूम में हो, आप सारे बच्चों को लाइन, मतलब अपने सीटिंग प्लान के हिसाब से बैठना चाहिए, लेकिन कोई अगर बेंच खाली है तो आपके आसपास होगी। तो जब कोई डिफेक्ट किसी स्टूडेंट के आसपास क्रिएट होता है, किसी आयन, किसी पर्टिकुलर एटम के नियर बाई में क्रिएट होगा, तो हम उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, इट इज फाउंड अराउंड अ पर्टिकुलर यू नो कैटायन आर एन आयन, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके पॉइंट पे या उसके नियर बाई, नियर बाई में कहाँ मिलेगा, इंटरस्टिशियल पॉइंट पे मिल सकता है, ऐसे डिफेक्ट को हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। एक ऑप्शन ये भी रहता है, वन मोर डिफेक्ट इज पॉसिबल, दैट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट, दैट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में क्या कहते हैं, अभी जैसे कि हमारा भी स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लाइनअप करते हैं, तो लाइनअप बनाने के लिए तो हमारी जो प्लानिंग रहती है, लाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक, कैसा होना चाहिए, लाइन हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, और लाइन अगर स्ट्रेट ना हो करके लाइन को क्या करो आप, टेढ़ा मेढ़ा कर दो, इज इट। लाइन डिफेक्ट कब आएगा, कि एटम ए को अपनी जगह बैठना था, मान लो एटम ये है, एटम ये बी है, एटम ए है, इसको बी है, इस रो में जो एटम आने थे उसको बी आया, फिर यहाँ पे ए आया, फिर ये पूरी लाइन ही टेढ़ी कर दो, जैसे हम लोग कभी कभी लिखते लिखते ना कॉपी में लाइन टेढ़ी हो जाती है, ये पूरी पूरी रो देखो कैसा हो गया है ना, देर इज अ डिफेक्ट इन एंटायर रो। ऐसी अगर सिचुएशन है, स्टेट जाना चाहिए था, स्टेट नहीं गया, ये जो डिफेक्ट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है बेटा, इंटायर रो में आ रहा है। किसी को डाउट होगा तो पूछते चलना बेटा, अगर आपका ऐसा जो प्रॉब्लम आया है, वन द डिफेक्ट इज इन इंटायर रो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी रो में चले जाओ, अगर आपको पूरी पूरे रो में अगर ये डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। किसी पर्टिकुलर आइटम के पॉइंट पे या उसके नियर बाई में अगर जनरेट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो इस पे हमें बात करना है, पहले तो हम इस पे डेफिनेशन पे बात करें, व्हाट इज इम्परफेक्शन और डिफेक्ट का मतलब क्या है। आपको क्या बोलना है कि हमें, हम एक आइडियल अरेंजमेंट की प्लानिंग करते हैं, हम साथ चाहते हैं कि हमारा जो एटम हो, हमारा जो क्रिस्टल बने हो, पूरी तरीके से परफेक्ट परफेक्ट हो। आइडियल अरेंजमेंट मैंने बताया कि मान लो क्लासरूम में 10 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं, सबको अपनी सीटिंग प्लान पे बैठना है, तो अगर वो अपनी सीटिंग प्लान पे जिसकी जहाँ सीटिंग है वहीं पे अगर आके बैठ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल बोलेंगे। इसको भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं यहाँ पे, गॉट इट। आइडियली अगर बैठा हुआ है तो उसको, देयर इज नो इम्परफेक्शन, लेकिन ज्यादातर सॉलिड्स में ये पाया जाता है कि थोड़ा बहुत उसमें चांसेस होते हैं हमेशा इम्परफेक्शन के। तो एनी डेविएशन, व्हाट विल द डेफिनेशन फॉर दिस टॉपिक, एनी डेविएशन इन आइडियल अरेंजमेंट, जो हमारा आइडियल है, इधर देखोगे तो नॉन आइडियल जैसा दिख रहा होगा, डेविएशन आ गया, डिफेक्ट आ गया, गॉट इट, एंड यू विल गेट होल, यहाँ पे हमें होल मिलेगा, तो दिस इज सेड टू बी इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड। तो मैं इसको शेयर हो सेव, इसमें आगे मैं बताऊं, जहां तक किसी का डाउट है बेटा। सर।
हमने अभी तक जो बात की उसमें क्या था, एनी डेविएशन, इसके डिफिनेशन क्या होगी बोलो, एनी एनी डेविएशन, एक एक लाइन छोटा छोटा लिखते भी चलना सो दैट आपका नोट्स भी बनता जा रहा है, एनी डेविएशन इन आइडियल अरेंजमेंट, आइडियल अरेंजमेंट में जो डेविएशन आएगा, आइडियल अरेंजमेंट लीड्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, लीड्स इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इम्परफेक्शन को ही क्या बोल सकते बेटा, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ये तो हमारी डेफिनेशन होगी। फिर इसके बाद लिख देना टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, टाइप ऑफ इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन कितने तरीके का होता है, इन सॉलिड, व्हाट आई टोल्ड दैट ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो ये दो तरीके का हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन अरेंजमेंट के बेस पे, वन इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट, अंदर इज नोन एज लाइन डिफेक्ट, वन इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट, अंदर इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में मैंने क्या सिखाया था कि आपको जो इम्परफेक्शन मिल रहा है, अगर वो पर्टिकुलर एटम की पोजिशन पर मिल रहा हो, उसके नियर बाई इंटरस्टिशियल साइड में मिल रही है, देन इट इज सेट टू बी पॉइंट डिफेक्ट, इज इट। वन द इम्परफेक्शन अराइजेस एट अ पर्टिकुलर एटम, जहाँ पे एटम को बैठना था वहाँ पे, क्लासरूम में मैंने बोला कि 10 बॉयज 10 गर्ल्स की सीट है, मान लो 2 बॉयज 2 गर्ल्स आई नहीं, तो हमें जो वैकेंट स्पेस कहाँ मिल रही है, जहाँ पे बच्चे को बैठना था वहाँ बच्चा आई नहीं, तो वो हमारा इम्परफेक्शन बोला जाएगा, उसको हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। लाइन डिफेक्ट कब बोला जाएगा, लाइन डिफेक्ट तब बोला जाएगा जो जो सीटिंग प्लान है उसको आप क्या करो, अपने हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा कर लो, आपसे बोला जाए मेक स्ट्रेट लाइन और आपने क्या कर दिया, पूरी रो को ही टेढ़ी मेढ़ी कर दी, अपने हिसाब से दोस्तों के साथ बात करते रहो, हमने सीटिंग प्लान को ही पूरा टेढ़ा कर दिया, इंटायर रो ही इज नॉट इन द इन अलाइंड, इज नॉट अलाइंड। तो पॉइंट डिफेक्ट कर लिख देना, व्हेन डिफेक्ट आर इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन कहाँ मिलेगा बेटा, इम्परफेक्शन इज फाउंड और अराइजेस कहाँ मिलेगा बेटा, अराउंड एट एट लैटिस पॉइंट और अराउंड उसके आसपास मिल सकती है तुम्हें, अराउंड अराउंड द लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट का मतलब मैंने बताया था क्लासरूम में जो सीट होती है ना जहाँ पे बच्चे बैठते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, लैटिस पॉइंट आप बोल सकते हो। तो अगर आपको इम्परफेक्शन किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर सीट पे मिल रहा है, अराउंड पर्टिकुलर एटम के आसपास मिल रहा है या उसके नियर बाई में मिल रहा है, तो दोनों केसेस में हम इसको पॉइंट डिफेक्ट बोल सकते हैं। और नेक्स्ट लिख देना लाइन डिफेक्ट, इसको नोट कर लिया सबने, आगे बढ़ाऊं मैं इसमें? Yes, sir. चलो नेक्स्ट लाइन डिफेक्ट, एक लाइन में डेफिनेशन लिख लो, बहुत छोटा सा लाइन डिफेक्ट होता है, मैंने आपको बोला दैट्स नॉट ऑन आवर सिलेबस, हमें पढ़ना भी नहीं रहता, हमें पढ़ना है बेसिकली किस डिफेक्ट को पढ़ना है, दैट इज द पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट के बस एक लाइन में, हाँ बेटा वाह सो नाइस, ईट बनाना नो प्रॉब्लम, ईट इट, अंदर इज योर लाइन डिफेक्ट। लाइन इफेक्ट में हमें क्या बतानी रहती है कि जो आपकी पूरी रो थी वो हमें मान लो स्ट्रेट चलना था, कहते स्ट्रेट नहीं गया, पूरी पूरी रो ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई, लाइक दिस यू नो रो इज नॉट अलाइंड। तो जब ऐसा कोई डिफेक्ट क्रिएट हो जहाँ पे पूरी पूरी रो ही हमारी रो में पूरी पूरी प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो व्हेन डिफेक्ट अराइज्ड इन इंटायर रो, है ना, पूरे पूरे रो में आ रही है प्रॉब्लम, इंटायर रो, देन
इट इज सेट टू बी, इट इज सेट टू बी, क्या बोलेंगे इसको बेटा, लाइन डिफेक्ट, सबने इतना नोट कर लिया। इतना डन हो गया बेटा? यस सर। चलो इसके बाद लिखना टाइप ऑफ। आप अब देखोगे तो यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूँ आपकी थ्योरी, देख लो हमने स्टार्ट किया डिफेक्ट इन सॉलिड, तो इसमें एक और दिखा देता है तुम्हें। हम बेसिकली मैंने बोला कि वी हैव टू गो विद द लिटिल एनसीईआरटी, उसमें आपको बेसिकली दो ही डिफेक्ट हैं। प्लेन स्क्रू में और बता देता है कि अगर पूरी पूरी रो ना ट्विस्ट हो जाए, अगर आप चाहो तो इसको एक्स्ट्रा बना के लिख लेना स्क्रू डिफेक्ट। स्क्रू डिफेक्ट का मतलब कि जो रो हमने स्टेट बनाई थी वो भी ट्विस्टेड हो जाए, स्पाइरल हो जाए, ठीक है ना? तब हम ऐसे डिफेक्ट को क्या बोल सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट और स्क्रू डिफेक्ट बोल सकते हो। ये हमारे पास नेक्स्ट है, पॉइंट डिफेक्ट की बात हम करेंगे इसमें। पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास सब डिविजन में जाएगा। वन इज नोन एज स्टाकोमेट्रिक, अंदर इज नॉन स्टाकोमेट्रिक, थर्ड वन इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाकोमेट्रिक, नॉन स्टाकोमेट्रिक एज वेल एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाकोमेट्री बहुत ही सिंपल है, आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ था। स्टाकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, एनी डेविएशन, कोई भी इम्परफेक्शन हो लेकिन हमारे जो क्रिस्टल का एक नॉर्मल अपना फार्मूला है, अगर उसमें डेविएशन नहीं आता तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, स्टाकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पुट द नेक्स्ट ही ना, नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। व्हाट आई टोल्ड, डिटेल में हमें यही पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट में हम इसको एज होल अगर हम बात करें तो दिस इज द फर्स्ट यू विल राइट स्टाकोमेट्रिक, सेकंड वन इज योर नॉन स्टाइकोमेट्रिक, थर्ड वन इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, लास्ट वन इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सॉरी, स्टाकोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, नॉन स्टाकोमेट्रिक में क्या होगा, स्टाइकोमेट्रिक की मैं जो नॉर्मल मीनिंग हो हमें समझ में आना चाहिए, इज इट स्टोइकियोमेट्री, इज इट बेसिकली इसमें क्या रहेगा, हमें क्या ध्यान देना था, मान लो किसी भी क्रिस्टल का अपना एक केमिकल फार्मूला होता है, मैंने आयरन ऑक्साइड ले लिया, आयरन का एक आइटम है, ऑक्सीजन का एक आइटम है, तो अगर डिफेक्ट पहले जब था उसमें भी मान लो, या इसका और सिंपल एग्जाम्पल ले लो, मान लो क्लासरूम ले लो जिसमें बॉयज है गर्ल्स हैं, मान लो 10 बॉयज थी 10 गर्ल्स, तो अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं बॉयज बाई गर्ल्स का तो कितना मिलेगा बेटा, 10 बाई 10 और 1 बाई 1, 1 बाई 1 का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट केस में मान लो ये भी आइडियल रिलेशन है, सपोज करो कि इसमें से मान लो दो बॉयज एज वेल एज दो टू गर्ल्स परमानेंटली यहाँ से चले जाते हैं, इसके बाद अगर क्लासरूम में अगर टोटल काउंट करते तो हमारे पास 8 बॉयज मिलेंगे, गर्ल्स कितनी मिली, 8। यहाँ पे इम्परफेक्शन तो आ गया, दो जो बॉय जो गर्ल्स गए उनकी सीट खाली है, लेकिन इम्परफेक्शन भी आ चुका है, लेकिन इसके स्टाकोमेट्री में कोई चेंज नहीं है। स्टाकोमेट्री अभी भी अगर हम निकालते हैं बॉयज बाई गर्ल्स का तो दैट इज गोइंग टू 8/8, दैट इज फाइनली गोइंग टू 1/1। इम्परफेक्शन हो चुका है, लेकिन इम्परफेक्शन ने क्या किया कि क्रिस्टल की जो बेसिकली ना स्टाकोमेट्री को, जो ये हमारा आयनिक कंपाउंड है, जो मेरा आयनिक सॉलिड है, इसकी स्टाकोमेट्री मीन्स उसका जो मिनिमम जो इसका केमिकल फार्मूला है उसको इसने चेंज नहीं किया। तो ऐसा कोई भी डिफेक्ट हो जिसमें जो क्रिस्टल का अपना एक आइडियल केमिकल फार्मूला होता है, जो कैटायन और एनायन का रेशियो होता है, अगर वो डेविएट नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे, स्टाकोमेट्रिक। यानी सच इम्परफेक्शन व्हिच डज नॉट डिस्टर्ब, जो क्या डिस्टर्ब नहीं करेगा बेटा, स्टाकोमेट्री ऑफ आयनिक सॉलिड, स्टाकोमेट्री ऑफ क्रिस्टल। स्टाकोमेट्री का मतलब रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन।
जो हमें एक आइडियल रिलेशन दिया है, अगर उसको ये डेविएट नहीं करता तो हम इसको कौन सा डिफेक्ट मानेंगे? स्टॉइकोमेट्रिक। बात समझ में आ रही है? स्टॉइकोमेट्रिक की डिफिनेशन अगर आप लिखते हो तो यहाँ से, अभी मैंने खोला था, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉइकोमेट्रिक का डिफिनेशन क्या है। सच पॉइंट डिफेक्ट, दिख रहा है बेटा सबको ये सच पॉइंट डिफेक्ट, ये दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है? यस सर, मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। ऐसा कोई पॉइंट डिफेक्ट हो, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट डिफेक्ट। तो सच पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टॉइकोमेट्री ऑफ द सॉलिड इज सेट टू बी स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको हम इंट्रिंजिक के नाम से बोले, इंट्रिंजिक का मतलब यहाँ पे प्योरिटी है, हम इसमें कोई चीज मिक्स नहीं करते। तो पहले भी क्लासरूम में बॉयज गर्ल्स थे, बाद में भी बॉयज गर्ल्स रह गए, तो उस क्लास में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई फॉरेन सब्सटेंस नहीं आया, इसलिए इस डिफेक्ट को एक लाइन और बोलता है, दैट इज नोन एज, आप इसको अलग से इसको उसमें अंडरलाइन करके लेना, इंट्रिंजिक डिफेक्ट। थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। थर्मोडाइनमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको हीट करके ऐसा डिफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लासरूम में मान लो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, या कहीं पर मान लो बम ब्लास्ट हो जाए, या हीट कर दो, हीट होने से क्या होगा, मालिक्यूल वहाँ से डिसप्लेस हो गए, परमानेंटली चले गए। कहता है ऐसे डिफेक्ट को हम हीटिंग करके क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई रहती है कि बॉयज जितने बॉयज थे उतने ही गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स इक्वल क्वांटिटी में जाते हैं। आगे इसमें सब डिवीजन आता है कि ये हमारा जो डिफेक्ट है स्टॉइकोमेट्री, वो वैकेंसी डिफेक्ट भी हो सकता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो सकता है। तो वी आर गोइंग टू टॉक नेक्स्ट, दैट इज द वैकेंसी डिफेक्ट, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा? तो हम जो बात कर रहे हैं वो वैकेंसी डिफेक्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट इज योर वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, नेक्स्ट इज योर वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट जैसा कि हेडिंग में इटसेल्फ बता रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है बेटा? वैकेंसी रह रही है ना, वैकेंट प्लेस आ गया। वैकेंसी कब होगी? जैसे मैंने बोला आपको पहले बताया कि सम ऑफ द स्टूडेंट दे हैव नॉट टर्न आउट, इज इट, जिन बच्चों को जहाँ बैठना था वहाँ आए नहीं। ये बेसिकली हम जो बात करने जा रहे हैं, वो बेसिकली हम किस में बात करेंगे? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड, बेसिकली कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात हो रही है। व्हाट इट, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम वैकेंसी डिफेक्ट की बात करेंगे। एटम ए है, मान लो ये एटम ए है, ये भी एटम ए है, ये एटम है, एप्पल एप्पल लाइक दिस, यू नो एटम ए, यहाँ पे एटम ए को आना था, यहाँ से गायब हो गया एटम ए, एटम ए। ऐसा हो जाने पे क्या प्रॉब्लम आएगी? डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस और रिमेन सेम। नीतिका बताओ बेटा, सॉलिड का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होता है, शेप साइज फिक्स है। मान लो ये आइटम यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? यू विल गेट अ वैकेंसी, वैकेंसी मिल गई। तो इस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ वैकेंसी डिफेक्ट व्हेन वन ऑफ द फ्यू आइटम आर मॉलिक्यूल मिस देयर लैटिस साइड, है ना, किसी भी कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर सॉलिड में। जैसे हम आइस क्यूब की बात करते हैं, आइस क्यूब को पोरस होता है, मान लो वाटर के मॉलिक्यूल को कहीं पे आना था, वहाँ पे आए ही नहीं, देन इट इज सेट टू बी, यू नो, क्रिस्टल इज सेट टू बी वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट कहाँ से आता है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज अराइजेस, ये कब अराइज होता है बेटा? इट इज अराइजेस व्हेन, है ना, फ्यू एटम और मॉलिक्यूल, बेसिकली मैंने बोला ये नॉन पोलर सॉलिड्स के लिए, बेसिकली ये नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए हम बात कर रहे हैं अभी। मॉलिक्यूल्स, फ्यू एटम्स आर मॉलिक्यूल मिस देयर लैटिस साइट, मिस्ड देयर लैटिस साइट, गॉट इट, देन क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। तो क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा? वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंट हो गया ना, वैकेंसी खाली है। तो ये कब होगा? जब फ्यू ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल यू नो मिस द लैटिस साइड, वैकेंसी डिफेक्ट आ जाएगा। वैकेंसी डिफेक्ट होने से क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड घटेगी, और सॉलिड की क्या होगी? स्टेबिलिटी भी घटती है, सारे डिफेक्ट में स्टेबिलिटी हमेशा घटती है, ध्यान देना।
वाई द डेंसिटी डिक्रीज, बिकॉज एटम मिस देयर लैटिस साइड परमानेंटली. जब एटम यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मान लीजिए एटम हमारा बाहर चला गया, मिस्ट कर गया, तो इसका मास भी डिसअपियर हो जाएगा ना, लॉस इन मास आल्सो. वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? मास बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम को हमने फिक्स रख दिया, मास हमारा घट गया, तो डेंसिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज, डेंसिटी घटेगी घटेगी. तो ऐसे सॉलिड की स्टेबिलिटी भी घट जाती है. नोट कर लिया. चलो, वैकेंसी डिफेक्ट. आयनिक सॉलिड में जो वैकेंसी डिफेक्ट होती है वो आगे हम बताएंगे. दैट इज नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है. ये हमने अभी बात किया क्योंकि दिस इज द वैकेंसी डिफेक्ट एंड दिस इज जनरली हम भी डिस्कस इन द आइदर इन कोवेलेंट बेस्ड एटॉमिक सॉलिड आइदर मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो कोवेलेंट का या नेटवर्क सॉलिड को हम एटॉमिक सॉलिड के भी नाम से जानते हैं, उसके भी टर्म में यहाँ पे बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास होगा, नेक्स्ट इज योर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को क्या मतलब है? तो डिफेक्ट तो हमें समझ में आती है, इंटरस्टिशियल स्पेस की बात करेंगे पहले. तो हमारे इंटरस्टिशियल का मतलब जो बीच में खाली खाली जगह होती है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस आप बोल दो, है ना. मान लो हमारे पास एटम ये है, फिर ये एटम है, ये है, फिर इसके बाद वाला एटम है. आप इसको पास पास भी लिख सकते हो, थोड़ा दूर दूर में दिखा रहा हूँ. सो हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस खाली है, खाली है कि इसमें कोई आएगा. समवन इज गोइंग टू कम बिकॉज दिस इज गोइंग टू बिहेव एज होस्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, व्हाट हैपेंस इन दिस केस? ये सॉलिड आपके पास पहले से है. एनी अदर फॉरेन, कोई भी फॉरेन आइटम ले लो, कोई भी एक्स वाई, कोई भी नैन अदर आइटम ले लो जो यहाँ बीच में आ जाए. आप एटम को बी मान लो, एटम को एक्स मान लो, जो मर्जी ले लो, है ना. आपके घर, आपका घर है, आपके घर में आपके घर के लोग सारे लोग रहते हैं. आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, गेस्ट आने से क्या होगा, घर में क्राउड बढ़ जाएगा, है ना. ओवरऑल डेंसिटी बढ़ेगी इस केस में. व्हेन एनी फॉरेन आइटम ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, ये कब होगा? इट इज अराइजेस व्हेन फॉरेन आइटम, और लिख दो अनदर आइटम और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड क्या करेगा, कौन सा स्पेस ले लिया बेटा? इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. इंटरस्टिशियल स्पेस, वन यानी अनदर एटम और मॉलिक्यूल, यानी जो गेस्ट है हमारे लिए, ये हमारा होस्ट हो जाएगा, ये भी हमारे लिए यहाँ पे गेस्ट का काम कर रहा है. वन यानी अनदर एटम और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस. देन सॉलिड इज सेड टू बी हैव, है ना, सेड टू, सेड टू, अब क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑन इट्स डेंसिटी? एनीवन, डेंसिटी बढ़ेगी बेटा कि डेंसिटी घटेगी? इंक्रीज होगी. वेरी गुड, दिस इज द वन ऑफ द ओनली डिफेक्ट जिसमें डेंसिटी हमेशा बढ़ती है, ध्यान देना है. दिस इज द ओनली डिफेक्ट व्हाई डेंसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, कीप इन माइंड. यहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि अनदर आइटम फॉरेन आइटम आ रहा है. एज वी मेक एलॉयज, यू नो, आपको अगर याद होगा, आपने कभी एलॉयज के विषय में पढ़ा होगा, मेरे पास आयरन प्लस कार्बन का एलॉय है. आयरन और कार्बन से क्या बनाते हैं हम लोग? स्टील बना सकते हैं, वी कैन मेक स्टील. तो इसमें आयरन के आइटम होते हैं, ऐसा अगर आयरन का आइटम रहता है लाइक दिस, दिस इज आयरन, आयरन आयरन आयरन. और हमने क्या किया, उसमें बीच में कार्बन डाल दिया. तो कार्बन के आइटम क्या करते हैं, दे आर वेरी टाइनी, दे ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस. और जब इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा तो योर स्टील इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड, गोइंग टू वेरी हार्ड, हार्डनेस बढ़ जाएगी.
है ना, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रिएक्टिविटी भी घट जाती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये हमारा सॉलिड है जिसकी डेंसिटी भी बढ़ने वाली है, क्योंकि तो कार्बन के एटम बीच बीच में आ जाते हैं। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अराइजेस व्हेन एनी अदर एटम और फॉरेन एटम ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, सो दैट योर सॉलिड इज बिकम मोर हॉट, इज डेंसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज। और ये बेसिकली एटॉमिक और मॉलिकुलर सॉलिड की बेसिक बात हो रही है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के नाम से बोलते हैं। सर, बोलो बेटा। इसमें तो फिर स्टेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा? इसमें स्टेबिलिटी तेरी बढ़ेगी अगर हम बात करते हैं ना, क्रिस्टल हमारे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि जो खाली जगह थी ना उसको किसने ले लिया, कार्बन ने ले लिया ना। इन दिस केस वी आर गोइंग टू इंक्रीज द बेसिकली ना स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। यहाँ पे देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का ये दिया है, वन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम आर यू नो ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, क्रिस्टल इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूल जो हमारे जो छोटे छोटे एटम होते हैं दे ऑलवेज ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है ना। और ये यही आगे अभी पढ़ेंगे सेम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ेंगे, तो वो आयनिक सॉलिड में पढ़ेंगे तो फ्रेंकल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट की बात करेंगे तो शॉटकी डिफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन नेक्स्ट टू टॉप डिफेक्ट्स, वन इज नोन एज फ्रेंकल एंड दैट इज नोन एज शॉटकी। व्हाट इट, यहाँ तक कर लिए? देख लो कोई डाउट हो तो पूछो यहाँ तक, ये दोनों टॉपिक में। नो सर। चलो फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट की बात हो रही है आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज योर, दैट इज योर बेसिकली फ्रेंकल डिफेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, यू नो आप अगर पेपर लगा रहे हो तो बीच बीच में बहुत बार पूछा जाता है सारा टॉपिक, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट, इस चैप्टर के पॉपुलर टॉपिक्स है थ्योरेटिकल वाले में फ्रेंकल डिफेक्ट। चलो फ्रेंकल डिफेक्ट को एक लाइन में अगर आपको लिखना है तो आप क्या बोलोगे, डिसलोकेशन डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, है ना। अगर मेरे को एक लाइन में डिफिनेशन देनी हो तो हम बोल सकते इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। आपको जो एटम है उसकी जो आयन है, आयन की पोजीशन को क्या करना है, डिसलोकेट कर देना है, उसको जहां पे बैठा है वहां से उसको मूव करा देना है, इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव कराते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, डिसलोकेशन डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। गॉट इट। अब होता कैसे है, तो ये जो सिचुएशन होती है उसमें कहते हैं कि जनरली क्या होता है कि हमारे जो बेसिकली पॉजिटिव आयन छोटे होते हैं, दे आर टाइनी इन साइज, वार आर द केटायन, नेगेटिव आयन इज जनरली बिगर इन साइज, नेगेटिव आयन हमारा बड़ा साइज का होता है, नेगेटिव आयन यहाँ पे बैठा हुआ, नेगेटिव आयन तेरा यहाँ बैठा हुआ है, फिर नेगेटिव आयन मान लो मैंने इधर बैठाया हुआ है और हमने इसमें क्या डाला, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन देयर इन बिटवीन यहाँ बीच बीच में बैठे हुए हैं। एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेक यू नो सम मोर नेगेटिव आयन, नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट डाल देते हैं, फिर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डाल दिया सपोज करो, फिर यहाँ थे पॉजिटिव, फिर यहाँ थे पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा लास्ट वाले वाले में, दिस इज नेगेटिव। गॉट इट। हमने नेगेटिव वाला बना दिया, पॉजिटिव बना लिया, अब नेगेटिव के नीचे यहाँ पे पॉजिटिव के नीचे फिर से नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी एक नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा लाइक दिस, बीच में फिर से पॉजिटिव आएगा, यर विल गेट यू नो नेगेटिव 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 लाइक दिस, और यू कैन शो द यू नो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन यहाँ पे एक पॉजिटिव मैंने दिखा दिया, देन नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइक दिस, यू नो। चलो इतनी रो काफ़ी है। ये कहता है सम व्हाट विल हैपन, एक फुटबॉल है तुम्हारे पास, एक छोटी सी बॉल है, तो एक बड़ी सी बॉल एक छोटी सी बॉल, ऐसे में क्या होगा, एम्प्टी स्पेस बहुत मिल जाएगा, इनकी पैकिंग अच्छी नहीं होती, ऐसे में ऐसे यू विल फाइंड दैट यू नो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, जो केटायन है, जो केटायन यहाँ बैठना चाहिए था, वो क्या करेगा, यहाँ से धीरे से स्लिप कर जाएगा, अपनी पोजिशन से थोड़ा सा स्लिप कर जाएगा,
अपनी पोजीशन से स्लिप करके जो उसके नियर बाई में कहीं पे भी जो खाली स्पेस है ना, वैकेंट स्पेस है, वहाँ पे चला जाएगा। तो अगर ये मान लो थोड़ी देर के लिए इसको मैंने उड़ा दिया यहाँ से, लेट यू दिस आयन इज गोइंग टू बी रफू चक्कर, यहाँ से गायब हो गया। तो जहाँ से हटेगा वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया बेटा, होल क्रिएट हो जाएगा। दिस इज होल, इसको कौन सा होल बोलेंगे, केटाइन हटा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, केटानिक होल। गया कहाँ, कहता वो थोड़ा नीचे चला गया क्योंकि उसको एम्प्टी स्पेस मिल रहा था। कौन से प्लेस में गया बेटा, दैट इज योर इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिटियल स्पेस। बात समझना, आप जहां बैठे हो आप वहां से खड़े हो जाओ। तो जहां हम अगर अपनी सीट को छोड़ के अगर हम खड़े होते हैं तो हमारे सीट पे तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और देन आई व्हेन आई स्टैंड बैक और मैं नियर बाई प्लेस में चला गया जहां पे इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो यहाँ पे तो हमें दो चीज मिलती है। जहां से हमारा कैटाइन मूव करता है वहां पे एक वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, वहां पे एम्प्टी स्पेस खाली हो गया। और अगेन ही हैज दिस आयन इज गोइंग टू ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये एक साइमल्टेनियस इफेक्ट तुम्हें मिलेगा जिसमें आपको दोनों चीज मिलने वाली है। यानी कि हमारा जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसमें वैकेंसी डिफेक्ट एट द लैटिस पॉइंट, जहां पे क्रिस्टल की खुद की पोजिशन होती है, एटम जहां बैठा रहता है वहां तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट कर देता है। एन इंटरस्टिशियल स्पेस नियर बाई में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट करता है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इज इट? ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसको आप बोल सकते हो कि एक तरीके से वेरी गुड, वेरी नाइस, जस्ट सी द पेंटिंग, वाह ना, सो नाइस, थैंक यू। तो ये वैकेंट स्पेस जनरेट किया बेटा, दिस इज द वैकेंट स्पेस ऑन इट्स ओन लैटिस साइड एंड इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन नियर बाई साइड, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट कर देगा। तो ये होता कैसे ये आपको बताना है। इट इज जनरली क्रिएटेड और फाउंड व्हेन स्मॉलर कैटाइन, कैटाइन जनरली हमें पहले से मालूम है कि जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं स्मॉलर इन साइज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं हमेशा बिगर साइज होते हैं। कैटाइन की साइज हमेशा नॉर्मल एटम से भी छोटी होती है। तो ये कहता है इट इज जनरली फाउंड व्हेन स्मॉलर कैटाइन, व्हेन स्मॉलर कैटाइन कैटाइन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन मिस्ड इट्स लैटिस साइड, अपनी साइड को क्या करेगा बेटा, छोड़ देगा, जहां पे बैठा था वहां से अपनी सीट छोड़ दिया, मिस्ड इट्स लैटिस साइट। और उसके बाद इसने क्या किया, अकुपाइज एंड अकुपाइड इंटरस्टिटियल स्पेस। इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट, व्हाट इज द कमेंट अबाउट द यू नो और इट्स डेंसिटी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इस पे हमें बात करनी। इतना सबने नोट कर लिया? यस सर। नोट्स तो आपके पास है, मैंने आपको पहले भी बोला है, नोट्स आपके पास है, आप वहां से कर लो, बस उसको रीड कर लेना। इसको इसको नोट बनाते चलो के साथ साथ ही हमारे पास दिमाग को फीड रहेगा कैसे कैसे हुआ। अब इसके रीजन की बात करेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, दो चीजें पे बात करना है। रीजन क्या होगा, रीजन नंबर वन, पहला बोलो बेटा, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन इज वेरी वेरी लार्ज देन रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, इट कैन बी वाइस वर्सा। कैटायन और एनायन की साइज एक जैसी नहीं होती। एक फुटबॉल है, एक छोटी सी बॉल है, फुटबॉल है, एक छोटी सी बॉल है, तो छोटी वाली बॉल क्या होती है, स्लिप कर जाती है अपनी पॉइंट से, और जहाँ से स्लिप करेगी वहाँ पे वैकेंसी पे डिफेक्ट क्रिएट करेगी, और जहाँ जाएगी वहाँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट करेगी। ऐसा जनरली पाया जाता है। तो ये जनरली कब होगा, जब साइज ऑफ हम क्या बोलेंगे, साइज यानी रेडियस, साइज ऑफ एनायन नेगेटिव आयन की साइज बहुत बड़ी हो देन साइज ऑफ कैटायन। फर्स्ट तो ये रीजन है। व्हाट इज द सेकंड रीजन, वेरी लो कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी लो
कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही कम है, वेरी लो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये हुआ कि क्राउड नहीं है, भीड़ नहीं है। अगर किसी ट्रेन में आप जा रहे हो वहाँ भीड़ नहीं है, तो भीड़ नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सीट को छोड़ करके किसी भी सीट पर बैठ जाते हैं, घूमते भी रहते हैं। और अगर मान लो कुंभ का मेला है, सीट है ही नहीं, आप अपनी सीट को छोड़ ही नहीं सकते हो, क्लासरूम में सारी बेंच खाली है, आप कहीं पर बैठ जाओ। लेकिन अगर क्लासरूम की जो सीट है वो सारी सीट पर अगर बच्चे बैठे हुए, आप नहीं चेंज कर सकते, नहीं चेंज कर सकते हो। कहते तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। लो होने का मतलब एटम तो बड़ा साइज का है लेकिन उसके सराउंडिंग में है जो उसका जो पॉजिटिव आयन है उसकी संख्या क्या कम है। ऐसे में खाली जगह खूब मिलती है, जिसको जहां मर्जी है शिफ्ट होता रहे, दे कैन मूव। लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, व्हाट इज द इफेक्ट? अगर ये हो गया तो इससे क्या इफेक्ट होगा? पहला पॉइंट, डेंसिटी नो चेंज, डेंसिटी डू नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज होती बेटा? क्योंकि मास रिमेंस विद इन द क्रिस्टल, डज नॉट चेंज, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड, हमारा जो आयनिक सॉलिड होगा दैट रिमेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ वेरी नाइस, अर्थक्वेक नहीं आ रहा है अभी। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड रिमेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लिखा होगा बेटा दैट द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहते हैं, क्योंकि नंबर आपके टेन और नाइन तो पहले जैसे ही हैं, देयर इज नो लॉस। हमने क्या किया, बस वो अपनी सीट छोड़ के इधर उधर चला गया। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि डिफेक्ट तो आ ही रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि होल तो क्रिएट हुआ ना। स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है समटाइम इवन ना, और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्शन भी बढ़ता है। इसको अलग से लिख देना, जो डिफेक्टेड सॉलिड्स होते हैं ना, डिफेक्टेड सॉलिड कैन सो ओवर कंडक्शन। डिफेक्टेड सॉलिड हमारे पुअर कंडक्शन का काम करते हैं, डिफेक्टेड सॉलिड, ये नोट कर लिया सबने बेटा? यस सर। चलो तो ये हमारा पार्ट हो गया T15। नेक्स्ट है दैट इज नोन एज, अब इसका एग्जांपल पहले लिख लो। हाँ फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर के जो हैलाइड्स होते हैं ना, बेसिकली दे यूज्ड टू, दे हैव अ टेंडेंसी टू शो दिस AgCl, AgBr, AgI, है ना, जिंक सल्फाइड, दिस हैव अ टेंडेंसी टू शो दिस, क्योंकि हैलाइड आयन आर वेरी बिग इन साइज। AgBr आगे हम दिखाएंगे भी दोनों शो करता है, इट शोज डीवल इफेक्ट, मतलब डीवल इफेक्ट शो करता है, आगे पढ़ाएंगे दैट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट तो शो कर ही रहा है, एज वेल एज शॉटकी डिफेक्ट आल्सो। तो नेक्स्ट डिफेक्ट इज योर शॉटकी, शॉटकी कर देना, शॉटकी डिफेक्ट दोनों शो करता है, इसको अलग से नोट कर लेना। यहाँ तक डन कर लिया सबने? नेक्स्ट खोलू मैं? यस सर। चलो नेक्स्ट इज योर शॉर्टकट इफेक्ट, शॉर्टकट इफेक्ट आपको मैं एक बार शेयर भी कर देना, सो दैट यू कैन सी इट। एंड पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर वहां से पढ़ लेना एक बार। शॉर्टकट इफेक्ट SCHOTTKY, शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की का जैसे टर्म पे ध्यान देना, ये शॉर्ट कर देना, समझ लो सूट एंड साइट।
अगर आप किसी को सॉर्ट कर दो, मतलब मार दो तो क्या होगा, वो दुनिया से चला जाएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। ये कह रहा है कि हमारे पास मान लो ये कैटायन है, फिर यहाँ पे एनायन है, फिर कैटायन है, फिर इतने मान लो एनायन है, फिर कैटायन है, फिर एनायन है, अल्टरनेट लाना था, ये तो एक साथ साथ आ गया। फिर यहाँ पे नेगेटिव आयन, देन पॉजिटिव आयन, देन नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव आयन लग दे से ना, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, ये कहाँ से आ गया, ये बी नेगेटिव, नेगेटिव देन पॉजिटिव, फिर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, अल्टरनेट अरेंजमेंट कर दो। हमने कर लिया। अभी इसमें क्या होगा बेटा, ऐसी सिचुएशन होगी क्लासरूम में, मान लो 10 बॉयज और 10 गर्ल्स थी, मान लो एक बॉय जो एक कोई भी लड़की है, मान लो परमानेंटली क्लासरूम छोड़ के चले गए, बंक मार दी क्लास, है ना। आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं हमारे, है ना। आना था स्कूल, पता लगा भाई को स्कूटी लेके गायब हो गए, तो इसको आना था, ये बाहर चले गई, तो ये कैटायन बाहर जाएगा, यहाँ जाके खड़ा हो गया, तो जहाँ से जाएगा वहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पे क्रिएट करेगा एक कैटायनिक होल, इट विल क्रिएट कैटायनिक होल। यहाँ पे कैटायनिक होल क्रिएट हो गया, तो दिस कैटायन, ये हमारा एक कैटायन है, कैटायन ये मिस कर दिया, जहां इसको बैठना था वहां पे बैठा नहीं, वहां से भाग गया, मिस्ड इट्स लैटिस साइट, अपनी लैटिस साइट को इसने क्या किया, छोड़ दिया परमानेंटली। अब कैटायन और एनायन दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, हर एक कैटायन एक एनायन को बांध के रखता है। सेम गोज टू द अनदर नेगेटिव आयन, ये मानो कोई दूसरा नेगेटिव आयन है, ये भी क्या किया, है ना, सेंटिमेंटल है, अगर एक छोड़ के जाया तो उसका दोस्त वो भी जो होता है, मैं भी चलता हूँ, ये भी एनायन चला गया, दिस इज एनायन। एनायन जहाँ पे जाएगा उसको कौन से होल बोलेंगे, इसको एनायनिक होल, जहाँ से कैटायन जाएगा उस होल को क्या बोलते हैं, कैटायनिक होल, कैटायनिक होल। और जहां से बेटा एनायन जाएगा वहां से उस होल को क्या बोलेंगे, एनायनिक होल। वेरी गुड, ठीक है ना, एनायनिक होल। तब एनायनिक होल की जब बात आएगी तो हमारा जो एनायन है उसको यहाँ से गायब कर दो, वहां पे एक स्क्वायर बना देना, स्क्वायर इस बात को शो करेगा कि वहां पे अब हमारे पास ये नेगेटिव एन नहीं है, दिस इज द एनायनिक होल। तो व्हाट वी हैड ऑब्जर्व हियर, वन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिस्ड इट्स लैटिस साइट, वन कैटायन वन एनायन, टू कैटायन टू एनायन, कैन बी देयर नो प्रॉब्लम। लेकिन इस डिफेक्ट से इस जो आयनिक सॉलिड इसके स्टैकोमेट्री में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो सर्किट इफेक्ट कैसे होता है बेटा, तो ये मैंने बोला एक लाइन में, अगर मैं बोलूँ तो वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, व्हाट इज, अगर एक लाइन में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं वैकेंसी, वेरी गुड, डेट भी डाल दो, वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इस, कौन सा डिफेक्ट बोला जाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट, होता कैसे, तो आप लिखो गिट इज एराइजेस व्हेन व्हेन इक्वल इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, इक्वल नंबर ऑफ क्या होगा, कैटायन और नेगेटिव आयन, कैटायन एंड एनायन, कैटायन एनायन मिस देयर लैटिसाइट, मिस देयर लैटिस साइट, लैटिस का मतलब क्रिस्टल, साइट का मतलब प्लेस, है ना, मिस देयर लैटिस साइट, परमानेंटली। देन क्रिस्टल इज सेट टू बी, कितना उस ऐसा होने पे क्रिस्टल के अंदर कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, दैट इज नोन एज सर्किट डिफेक्ट। यहाँ तक नोट कर लिया सबने, चलो डन, आप उसमें भी ग्रुप में भेज सकते हो अगर रेस्ट यू नो, और सब तो सो ही रहा लग रहा है आज, मस्ती में सब बच्चे।
चल रहता है। टाइमिंग ऑफ योर यू नो पीटी वन इज 3 PM टू 4 PM। स्टडी जहाँ तक गणों का मैं आज के आगे बता रहा हूँ, इससे अभी हमें दो चीज़ पे ध्यान देना, ऐसा होता कब है। नेक्स्ट इज योर रीजन, नेक्स्ट इज योर व्हाट द रीजन बिहाइंड द सर्किट इफेक्ट। पहला रीजन लिखना बेटा कि आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव की रेडियस कैसी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए। तो द आयनिक सॉलिड, ऐसा आयनिक सॉलिड होना चाहिए इन विच रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, रेडियस ऑफ एनायन। दोनों की साइज एक जैसी होगी, दोनों की साइज एक जैसे होने से क्या फायदा होता है, यू विल नॉट गेट एम्प्टी स्पेस इज इट। अगर साइज एकदम एक जैसी दिख रही है तो आपको यहाँ एम्प्टी स्पेस कम मिलेगा। दो डिफेक्ट आने का एक ही पॉसिबिलिटी रहती है, वन दे मिस द लैटिस साइड परमानेंटली, या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मिलेगा ही नहीं। पॉजिटिव द नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव लाइक दिस, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि वेरी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब भीड़ बहुत हो, मान लो दोनों की साइज तो एक जैसी है, मान लो पॉजिटिव आयन है, एनायन की भी साइज इसकी जैसी हो, मान लो एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लो या 7 ले लो, तभी क्या करेगा, इसके चारों तरफ उतने नंबर ऑफ आयन आएंगे ही नहीं है। लाइक दिस यू नो, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा है, मतलब 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, लाइक दिस यू नो। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने का मतलब देयर इज अ क्राउड, है ना, क्राउडिंग ऑफ आयंस। सो सम टाइम व्हाट विल हैपन, दे कैन नॉट अकोमोडेट। कैटायन की साइज छोटी है, मान लो इतनी है, कैटायन और एनायन की साइज एक जैसी है, और नंबर ऑफ आयंस अगर सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा है तो उनका एकोमोडेशन पॉसिबल नहीं होता। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर इज अ चांस ऑफ परमानेंट मिसिंग, हम इनको परमानेंट मिसिंग के चांसेस होते हैं। और थर्ड पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया था कि जब डिफेक्ट आ जाता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्शन इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑलवेज डिक्रीजेस। आयनिक सॉलिड डेंसिटी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगी, डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड डिक्रीजेस, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड रिमेन्स वेरी गुड देन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, etc. यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यस सर। चलो।
नेक्स्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, देखो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए। ये हमने बात कर लिया, फ्रेंकल डिफेक्ट की बात कर ली, और शॉर्टकी डिफेक्ट में कुछ मैथमेटिकल एक डाटा उसको अलग से लिख देना, एन ए सी एल के जी, ठीक है, जी बी आर। ये वाली लाइन हमें याद करनी है, ये हमें एक डाटा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। अगर हम कॉमन साल्ट जो हमारे घर में रहता है, अगर उसका 1 सेंटीमीटर क्यूबिक आप साल्ट ले लो, तो उसमें ये बोलता है कि नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं 10^22 आयंस होते हैं, और देयर विल बी नो 10^6, मतलब 10 लाख शॉर्टकी डिफेक्ट 1 सेंटीमीटर क्यूबिक आयनिक साल्ट, रॉक साल्ट में यानी NaCl के साल्ट में पाया जाता है। इन सारे डेटा को ना कोरिलेट कर सकते हो, ये 10^6 शॉर्ट के पे है डिफेक्ट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो 10^22 आयंस होते हैं। तो अब अगर आप 10^22 को क्या करो, 10^6 से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट 10^16 आयंस, नंबर ऑफ शॉर्ट के डिफेक्ट्स पर आयंस मिल सकता है। तो देयर इज 1 शॉर्ट के डिफेक्ट पर 10^16 आयंस। ये लाइन नोट कर लेना इसको, नोट कर लिया, डाटा है इसको याद करके रखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl में नंबर ऑफ आयंस होते हैं 10^22, और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट इज इक्वल टू 10^6 शॉर्ट के पेयर डिफेक्ट्स। तो आपको दिखाना है, आपको अगर ये निकालना हो कि नंबर ऑफ शॉर्ट के डिफेक्ट पर्टिकुलर नंबर ऑफ आयंस कितने नंबर ऑफ आयंस पे पाया जाता है, तो 10^22 डिवाइडेड बाई 10^6 कर दिया, ये विल गेट 10^16 आयंस। नोट कर लिया, पहला पॉइंट आया तुम्हारे पास नोट्स में, इसको देख लेना वहां पे डायग्राम, इसको याद करके रखना। नेक्स्ट इज योर ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नेक्स्ट इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी जैसे हमने शुरुआत में भी बात किया था, इम्प्योरिटी का क्या मतलब है, फॉरेन सब्सटेंस को आपको आपकी बार ऐड ऑन करना है, वी हैव टू ऐड ऑन एनी फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है ना बेटा, तो नेक्स्ट इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी टर्म ही हमें बता देता है, इम्प्योरिटी का मतलब होता है डोपिंग करना, व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी का इनडायरेक्टली जो सेंस होता है डोपिंग करना है, आप डोपिंग डिफेक्ट भी बोल सकते हो। हम अभी जो पढ़ेंगे वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं। हमारे पास मान लो व्हाट इज देयर, वी हैव एन एस सी एल साल्ट, और एन एस सी एल साल्ट आप एक बाउल में ले लो, आप इसको हाई टेम्परेचर दे करके क्या करो, मेल्ट कर दो, और जब मेल्ट करने के बाद इसमें क्या मिला देना, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड मिला दो या कैल्शियम क्लोराइड जो मर्जी डाल दो इसमें, मान लो मैंने डाल दिया स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, तो दोनों का क्या मिलेगा, यू विल गेट अ मिक्स साल्ट। तो ये इसमें क्या बोला जाएगा, दिस विल बी नेम्ड एज इम्प्योरिटी, है ना। पहले तो हमारे पास जो सिचुएशन थी उसमें सारे के सारे एन ए प्लस और सी एल माइनस थे, लेट बी एन ए प्लस सी एल माइनस, एन ए प्लस सी एल माइनस, ये सोडियम क्लोराइड की फैमिली है, बहुत ही खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी वन इज हैप्पी, हैप्पी हैप्पी मोड इज गोइंग ऑन लाइक दिस अब इसकी फैमिली में किसी थर्ड विलन का एंट्री होता है, हु इज द विलन हियर, स्ट्रॉन्शियम आयन, स्ट्रॉन्शियम आता है और सोडियम से बोलता है बेटा यहाँ से दिखाई मत देना, यहाँ से कल के दिन गेट लास्ट फ्रॉम हियर, आई एम दबंग। तो ये एक स्ट्रॉन्शियम की बैलेंसी ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, कितनी बैलेंसी बेटा, टू। तो ये क्या करेगा, दो सोडियम आयन को यहाँ से भगा देगा, एक सोडियम आयन को यहाँ से भगा दिया, एक को यहाँ से भगा दिया, अगर वन स्ट्रॉन्शियम इज इक्विवेलेंट टू टू ऑफ सोडियम आयन, इंटरमा बैलेंसी, बट ये दो सोडियम आयन को यहाँ से भगा दिया, बैठेगा तो कहीं एक ही जगह जाके ना, यहाँ पे बैठ गया, ये क्या कर दिया इसने, स्ट्रॉन्शियम ने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, स्ट्रॉन्शियम ने क्या किया, वो वाले प्लेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये व्हाट विल बी दिस, दिस इज द वैकेंट होल, किसका, ये कैटायन का। तो
हम इसको क्या बोलते हैं, कैटायनिक होल। नहीं समझ में आई बात, फिर से समझना। मान लो मेरे पास एल्युमिनियम का ट्राई पास टिप है, मैं बोलूँ कि तेरे को सोडियम के घर जाना है, तो बोलेगा सर अगर मैं जाऊँगा, मेरी मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, आई एम गोइंग टू रिप्लेस यू नो हाउ मेनी डिस्प्लेस, 3 सोडियम आयन इज इट, इसकी बैलेंसी ट्राई पास टिप आयन है ना, दे 3 सोडियम आयन को यहाँ से भगा देगा, क्योंकि तो सॉलिड तो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ये कहता लेकिन बैठेगा तो कहीं एक ही जगह ना। मान लो क्लासरूम में कोई दबंग बच्चा वो आया, उसने क्या किया, 3 बच्चों को भगा दिया, बैठेगा तो किसी एक सीट पे ना, ऐसा तो है नहीं सारी सीट पे जाके पैर अपना रख ले, यू कैन नॉट सिट इन ऑल द सीट। ऐसे में अगर मैं तुमसे पूछूं एल्युमिनियम के आयन कितने थे, 1, यहाँ होल कितने क्रिएट हुए, तो बोलोगे 2, 1/2 का रेशियो आ गया। स्ट्रॉन्शियम आयन में अगर पूछूं नंबर ऑफ आयन अगर 1 है, तो होल कितने आए बेटा, 1, 1/1 का रेशियो यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें। अब मैं यहाँ लिख दूं 1 मोल, तो कितना लिखोगे, 1 मोल, लाइक दिस यू नो। तो वन एनी फॉरेन आयन, जो हमारा ये एक्स्ट्रा आयन है, ये जो हमारा है, इसको हम कौन सा बोलेंगे, फॉरेन इम्प्योरिटी है ना, फॉरेन कोई भी इम्प्योरिटी है, फॉरेन आयन है, ऑक्यूपाई कर ले यहाँ पे, जिस वहां पे सोडियम बैठना था वहां पे सोडियम की जगह कौन आके बैठ गया, स्ट्रॉन्शियम आके बैठ गया। और ऐसी अगर सिचुएशन है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें इम्प्योरिटी आ गई, इम्प्योरिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड, इम्प्योरिटी के मैंने क्या किया, डोपिंग कर दी, और ये क्या हो जाएगा, कैटायनिक होल हो जाएगा। तो इसमें अगर आपको सिंपल सा केमिकल बॉन्डिंग का मूल ये बैलेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसके न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे। नंबर आपके टाइनिक होल निकालना रहता है, आपको डोपिंग का परसेंटेज दिया रहेगा। तो ये डायग्राम नोट कर लो पहले, फिर मैं आगे चलो इस पर न्यूमेरिकल बताता हूँ। एक न्यूमेरिकल है, और शायद मैंने अगर बताया होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। तो दिस डिफेक्ट इज अराइजेस व्हेन अ फॉरेन आयन इज गोइंग टू ऑक्यूपाई लैटिस साइट ऑफ पर्टिकुलर यू नो आयनिक सॉलिड। वो उसके घर का नहीं था, दूसरा था, वो आकर के इसके होस्ट के आयन को रिप्लेस कर दिया, और उसने आकर के उसकी सीट को कैप्चर कर लिया। तो हम ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज हमारी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, इम्प्योरिटी आ चुकी है। तो फॉरेन आयन डिस्प्लेसेस एनी अदर आयन फ्रॉम द लैटिस साइट यू नो फ्रॉम द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई इट्स लैटिस साइट, उसकी लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ऐसी पोजिशन को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। डन कर लिया इतना बेटा, मैं आगे चलूं, यस सर। चलो इस पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैंने शायद कराया था कि नहीं, याद है किसी को, यस सर, उस दिन वर्कशीट में थोड़ा सा करवाया था। अच्छा मैं न्यूमेरिकल से दोबारा बता दूं, क्वेश्चन आपके बुक का ही है मुझे लग रहा है ये। वो बोलता है कि स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड है, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को मैंने क्या किया, डोप्ड इन, उसकी डोपिंग करने जा रहे हैं, डोप्ड इन NaCl, देन इसकी कंसंट्रेशन दे देता है 10^-3 mol%, 10^-3 mol% स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड डोप्ड इन NaCl, देन कैलकुलेट कैटायनिक होल, कैलकुलेट द कैटायनिक वैकेंसी और कैटायनिक होल कितना आएगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि आपको इसकी बैलेंसी को पकड़ना है, स्ट्रॉन्शियम आयन डाइपॉजिटिव आयन है, सोडियम आयन का सा मोनोपॉजिटिव है, तो 1 स्ट्रॉन्शियम इज इक्विवेलेंट टू 2 ऑफ सोडियम आयन, यहाँ पे 2 होल क्रिएट कर देगा, दो में से किसी एक प्लेस पे खुद जाके बैठ जाएगा, लाइक दिस यू नो, होल यहाँ पे क्रिएट होगा। तो नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन एडेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, ये दोनों की रेशियो सेम होते हैं, है ना, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन, StRoNtiUN, स्ट्रॉन्शियम आयन एडेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायनिक होल। वेरी इजी न्यूमेरिकल, खाली मोल परसेंटेज को सिंपल काउंटिंग में बदल देना है। तो मोल परसेंटेज का यहाँ पे समझेंगे, जो हमें डाटा गिवेन है वो कितने पे दिया, 100 यूनिट सेल का डाटा गिवेन है, 100% का मतलब पर 100 की बात हो रही है, 100 यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो 100 में कितना है, 10^-3 mol है, 100 में 10^-3, तो 1 में कितना होगा,
10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 100 मोल, तो मोल को सिंपलीफाई कर देना, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 मोल, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर माइनस 5। योर फाइनल आंसर इज 6.022 इंटू 10 की पावर कितना हो गया बेटा, 18। दिस इज द फाइनल आंसर। सर ये एक बार रिपीट करना कैलकुलेशंस से। चलो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, आप देख लो। इसमें अगर मेरे को डायरेक्टली 10 की पावर -3 मोल बोला होता था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, हम डायरेक्ट लिख देते 10 की पावर -3 मोल, मतलब मोल का -3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर कितना लिखता है, 23। गॉट इट। लेकिन इसने क्या किया कि वो जो हमें डाटा दिया आउट ऑफ 100 दिया है, हमें दिया 10 की पावर -3 मोल आउट ऑफ 100 यूनिट सेल्स। हमें 100 पे थोड़ी निकालेंगे, हम पर पे निकालेंगे, इंडिविजुअल पे। गॉट इट। ये जो हमें निकाला 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज, मोल परसेंटेज को इधर बदलना है, मोल परसेंट का मतलब समझना है। तो परसेंट तो हमेशा 100 के लिए डाटा होता है ना, मतलब 100 यूनिट सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो 100 में आपको 10 की पावर -3 मोल मिल रहा है। एक में कितना मिलेगा, 10 की पावर, यूनिटरी मेथड लगा दो, 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 100, तो 10 की पावर 100, ये जो 100 है इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हुआ, 10 की पावर -2। मैं दोबारा इसको दिखाऊं कैसे किया गया कैलकुलेशन, देखो फिर से। 100 यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितना है, 10 की पावर -3 मोल है। कौन है बेटा, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। मैंने क्या सीखा, जितना स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड है उतना ही स्ट्रॉन्शियम होगा, उतना ही उसमें क्या होगा, कैटाइनिक होल होंगी। हमने पहले लिख दिया कि जितने स्ट्रॉन्शियम आए ना उतने कैटाइनिक होल बनते हैं। अब 100 पे दिया तो हमें क्या निकाल, 1 पे निकाल देंगे तो 1 में कितना होगा, 10 की पावर -3 मोल डिवाइड बाय 100। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 ऊपर भेज दो, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2, बेस सेम है, पावर क्या हो गया, ऐड हो जाएगी। इसको इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 10 की पावर 18। कैटायनिक होल इस पे दूसरा क्वेश्चन तो एक बनाने के लिए तुमने बना लिया इसको। दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो मैं तुम्हें दे दूं SnCl4 इन KCl, इसकी तुम्हें मैं दे दूं 10 की पावर -4 मोल है ओनली, तो आपको बताना इसमें कैटायनिक होल कितना होगा। ट्राई करो, जिसको नहीं आएगा फिर हम बता रहे हैं, मान लो कहीं डाउट आता है। कॉन्सेप्ट जैसे मैंने सिखाया उसी को पकड़ना, यहाँ से ये स्टेनस SN को बाहर निकाल लो। बोलो टिन तुम्हारी वैलेंसी कितना है, तो बोले मेरी वैलेंसी तो 4 है, कोई बात नहीं 4 है मैंने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखना बेटा पोटासियम की वैलेंसी कितनी, 1 है, यहाँ के प्लस लिख दो। स्ट्रॉन्शियम, ये जो हमारा स्टैनिक है, टिन की जो वैलेंसी 4 है, इट इज इक्वल टू हाउ मनी पोटासियम आए, 4, 1 2 3 4, बैठेगा तो कहीं एक ही जगह ना, अकुपाई कर लिया। होल कितने क्रिएट किए बेटा, मतलब एक एक हमारा जो SN है वो 3 होल क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे तुम्हें एक पे दे दिया, मैं अगर बोलता ये सारी 1 मोल है तो तुम क्या बोलते, इसको 3 3 मोल हो गए कैटायनिक होल। नहीं समझ में आ रही बात, किसी को डाउट हो आ तो रही है सर।
तो मैं अगर यहाँ बोलूँ 10^-4 मोल है, तो ये 3 × 10^-4 मोल हो जाएगा। मोल को सिंप्लीफाई कर देना, 3 × 10^-4, मोल की जगह लिख दो 6 × 10^23, यानी 18। सॉल्व कर दो इसको। फिर से नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ एक मिनट। चलो यहाँ तक हो गया। अब इस पे बेस मैंने बोला न्यूमेरिकल बन जाएगा। सीट के कुछ क्वेश्चन पहले कराते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें देखते कौन जल्दी बनाएगा। द चैंपियन इन द सीट से वर्कशीट नीट। एक हम लोग क्विक करते हैं, देखो स्पीड गेम, देखते कौन पहले बनाता है। फिर उसके बाद यही PMT सेक्शन करोगे। सेशन रीजन है, एक्सरसाइज 2 है। चलो शुरू से करो। ये सीट दिख रही है? नो सर। ये नॉर्मली क्या होता है ना, फोन भी सही है ना, तो उसके बाद हैंग होता है एक बार। ये आ गया होगा, अभी देखो आ गया। यस सर। चलो पहला पहला क्वेश्चन देखो बन जाएगा। फेस सेंटर क्यूबिक में कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉम द एटम कॉर्नर एंड फेस सेंटर। कॉर्नर का कितना होता है? 1/8। फेस सेंटर कितना होगा बेटा? 1/2। वेरी 1/2 गुड। प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन A2 देखो, बताओ कौन बताएगा सबसे पहले। पूछो तो फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। बी ऑप्शन। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर हाँ वीक। सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन तो मजबूत होता है। नेक्स्ट एमॉर्फस। ऑप्शन 3 डू नॉट अंडरगो ऑप्शन क्लीन थ्री। क्लीवेज। एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट अंडरगो द क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद द नाइफ। ठीक है। नेक्स्ट A4। अमॉर्फस सॉलिड। बना दिया बड़े क्लीन। व्हेन मोल्टेड, जब हम इसको गर्म करते हैं तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड रैपिडली कूल करेंगे। और वेरी गुड, डन डन। रैपिड कूलिंग करेंगे तो सर टाइम। मेरे एक डाउट था हाँ पूछो। सर, क्वार्ट्स को हम अमॉर्फस सॉलिड कहेंगे या क्रिस्टलाइन? क्वार्ट्स को तो हम बेसिकली के स्लाइड के नाम पे जानते हैं। गॉट इट। कहीं कहीं जो है ना उसको लिख देता है। बट सर जब मैंने एग्जाम्पलर की सॉल्व किए थे MCQs, उसमें उसको अमॉर्फस कहा था। मालूम है NCERT में, लेकिन क्वार्ट्स को किस लाइन ही लेते हैं। ठीक है ना। आपके बुक में ना ग्लास के दो हैं हमारे पास। एक नॉर्मल ग्लास होता है जिसको साफ ग्लास बोलते हैं, क्वार्ट्स को जैसे ना क्रिस्टलाइन ग्लास बोलते हैं। ये सर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के दो फॉर्म होते हैं ना? ओवरऑल सोडियम सिलिकेट है ना ग्लास हमारा, जो है ना सोडियम सिलिकेट है।
जो नॉर्मल हमारे जो ग्लास होते हैं ना, सोडियम सल्फेट, ये वाला कैसे बनेगा? नेक्स्ट बताओ, Fe6। रबर, रबर, नॉट एक्रिस्टलाइन सॉलिड रबर, ठीक है। सॉलिड CO2, आयनिक है, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मेटालिक। क्या लिखे? सर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। कोवेलेंट। क्या बोले? कोवेलेंट। कोवेलेंट नहीं बोलते, कोवेलेंट तो नेटवर्क सॉलिड हो गया ना, एटॉमिक सॉलिड को कोवेलेंट बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, A7। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, टंगस्टन मिलेगा ना, मेटल तो इसमें एक ही है ही। नेक्स्ट, आयोडीन क्रिस्टल सर, आयोडीन के क्रिस्टल को क्या मानेंगे? आयनिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर सर। आयोडीन मॉलिक्यूल, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है तो मॉलिक्यूलर में जाएगा, एटॉमिक में जा सकता। आयोडीन क्रिस्टल हो गया, NaCl क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ Na+ NaCl माइनस, आयनिक सॉलिड करेक्टराइज बाई लो मेल्टिंग सॉल्वेंट, पॉइंट, नहीं सर सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट्स पोलर क्या है? सॉल्वेंट्स, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, सॉरी। करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। कंडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, मैंने बताया था पुअर कंडक्टर होते हैं, वो भी सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं। हाई वेपर प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं, वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास हाई रहता है वो भी बेकार है, लो मेल्टिंग पॉइंट कोई मतलब नहीं। A11। नेक्स्ट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सबसे कम है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, वही, क्योंकि जनरली उसमें या तो वंडरवाल फोर्स होता है या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं कहीं पाई जाती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वंडरवाल ही रहता है या डाइपोल डाइपोल। नेक्स्ट, डायमंड बिलोंग टू द क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, क्यूबिक नहीं होता सर, क्यूबिक है, क्यूबिक डायमंड इज आल्सो गोइंग टू ऑप्शन बी। क्यूबिक, जैसे हमारा FCC जैसा नहीं रहता उस टाइप का ही, क्यूबिक में रहता है। अभी स्ट्रक्चर में हम लोग इसमें आएंगे, और डायमंड का भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट करने के लिए कभी कभी पूछा गया है, डायमंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थोड़ा सा ना माथा खा लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं उसको भी कराऊंगा अभी। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर जितने करेंगे ना सारे में ये सारा पार्ट आ जाएगा। अभी इसको डायरेक्ट याद कर लो, क्यूबिक होता है। नेक्स्ट, A13 पढ़ो, इन सिंपल क्यूबिक वन ये बाय एट पार्ट, वन बाय एट पार्ट, कॉर्नर में 1/8 होगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम आर प्रेजेंट इन द क्यूब बेस्ड अपॉन यूनिट्स ऑफ लैटिन, नाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम्स आर देयर इन अ क्यूब बेस्ड नाइन हैविंग वन आइटम ईच कॉर्नर एंड टू आइटम एट बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। कैसे हो गया, समझाओ। सर, चार बॉडी डायगनल्स है, हर एक पे 2 है, 4 2s are 8, और एक जो कॉर्नर्स पे है 8 × 1/8। क्योंकि बॉडी का डायगोनल तो पूरा पूरा काउंट होगा, वो तो बाहर जाएगा ही नहीं, हर बॉडी डायगोनल में अगर हमें मिल गया तो 4 2s are 8, ठीक है। नेक्स्ट, वैक्स इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और कोई ऑप्शन भी नहीं है उसमें, देर इज नो ऑप्शन लो फॉर यू मेल्टिंग ऑन। पॉइंट होता है ना इसका, वैसे सोच हाँ लिया। जी, हाँ जी, A16। सॉलिड्स आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन इन नेचर, The following not the property of solid. सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लो, तो पूछ रहा नॉट प्रॉपर्टी, तुमने प्रॉपर्टी ऑप्शन बता। वन, हाँ, सॉलिड और ऑप्शन ऑल्डिहाइड। वन सर। हाँ, नेक्स्ट, एक्स सॉलिड एक्स मेल्ट स्लाइटली एट रूम टेम्परेचर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट,
मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल ये तो आइस की बात कर रहा है जनरली, आइस का ही मेल्टिंग पॉइंट होता है इतना 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन है ना मॉलिक्यूलर सॉलिड। लैटिस पैरामीटर के बेस पे देखो टेट्राकोनल में क्या होगा, हाइट बढ़ाएगा। ऑप्शन टू ऑप्शन क्या दिया इसमें, ए ओ बी ठीक है, लंबाई चौड़ाई सेम रखो, हाइट बढ़ा दो सारे परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब 10 बाई 10 बाई 20 हाइट बढ़ा देना कमरे की और सारे परपेंडिकुलर हैं टेट्रागोनल। नेक्स्ट इफ रेडियस ऑफ दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक है, एज इक्वल टू कितना होगा 2r है ना, फिर हम निकाल लेंगे, सिंपल क्यूबिक का कॉन्सेप्ट मालूम है, कॉर्नर कॉर्नर के एटम कॉन्टेक्ट में रहते हैं और हमें इसने क्या दे दिया एटम की रेडियस दे दिया, बन जाएगा ये। वन यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, ए इज इक्वल टू 2r लगा देना, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब कर दो, फिर थर्ड आ जाएगा ऑप्शन थ्री। अच्छा 2 × 10⁻¹⁰ का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, वाह वेरी गुड, टोटली मार दिया तुमने, 2 का क्यूब 8 है ठीक है। नेक्स्ट B3 इंटरमेटालिक कंपाउंड लिथियम एजिक स्ट्राइजिन क्यूबिक लैटिस विद द बोथ द लिथियम एंड सिल्वर एटम हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इस बॉडी सेंटर्ड हो गया है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, हां बॉडी सेंटर्ड, वैसे भी हम लोग बताए को पढ़ना है तो बॉडी के सेंटर में रहेगा तो कम से कम 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन क्या होगा, इसमें हर टाइप का यूनिट सेल मिल जाता है, फेस सेंटर बॉडी सेंटर सारा है ना, इन सेंटर सारा मिल जाता है। नेक्स्ट पूछो द फॉलोइंग आर द करेक्ट एक्जियल डिस्टेंस, एक्जियल एंगल या रोम्बोहेड्रल, ये कभी कभी आजकल हम सीखे में आएगा इंपॉर्टेंट है सर, रोम्बोहेड्रल ऑप्शन वन, ऑप्शन वन ये तो वेरी गुड, आपको हाँ इसको याद करके रखना है, इसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं है। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर फेसेस आर देयर इन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, रेक्टेंगल बन पाएगा कि नहीं ये दिखाना है, बेसिक कोई भी नहीं होगा सर, सिक्स आएंगे सर, सो नो फेसेस रेक्टेंगुलर, साइड से कोई इक्वल नहीं होती फिर रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तो स्क्वायर नहीं बनेगा, रेक्टेंगल तो बना ही सकते है ना, स्क्वायर नहीं बनेगा, हाँ जी हाँ जी बन सकता क्यूबिक में तो स्क्वायर बन जाती है, इसमें रेक्टेंगल बनाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेंथ भी साइड बदलते रहो कोई टेंशन नहीं है, है ना, तो ऑपोजिट साइड साइड तो इक्वल हो ही जाएंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी समझ गए, बात सही है, तुम्हारा आइडिया सही निकाल, नंबर ऑफ फेसेस एक छत हो गया, एक बेस हो गया, सराउंडिंग के चार वॉल, लेंथ ब्रेथ हाइट में कोई आपको दे नहीं रहा ऑप्शन, तो हम रेक्टेंगल तो बना ही सकते हैं, हम स्क्वायर नहीं बना सकते, मेरे से अगर क्वेश्चन पूछता स्क्वायर तभी फंस जाता है ना, स्क्वायर वाले फंस जाते हैं तुम्हारे पास में। क्लोज पैकिंग हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर इन BCC, 8, हाँ नियरेस्ट का मतलब जो इसके एकदम नियर बाई में रहेगा उसको नियरेस्ट निकालते हैं, नियरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, देखते हैं हम लोग ट्राई करते हैं नियरेस्ट का थोड़ा, नियरेस्ट का मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर से ही लेना रहता है, आप ऐसे एक क्यूबिक सिंपल बना लो है ना, आप इसमें अपने कुछ पॉइंट्स जनरेट कर लो 1 2 3 4, या आप इसको पॉइंट ए ले लो, इसको पॉइंट बी ले लो, इसको पॉइंट सी, इसको डी ले लो, देन ई देन एफ देन जी देन एच, ऐसा ले लो, अब हमारे पास ये नियरेस्ट ढूंढना है, किसका नियरेस्ट ढूंढना है ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, पहले मैं तुमसे बोलूँ ए के रिस्पेक्ट में बताना है नियरेस्ट कितना है, तो नियरेस्ट हो जाएंगे जिसकी डिस्टेंस उसके रिस्पेक्ट में कितना हो, एज लेंथ हम मान लेते हैं इसको नियरेस्ट, तो ये 2 वाला इसके पास है, तो ए के लिए जो नियरेस्ट होगा वो क्या होगा, नियरेस्ट होगा बी, उसके नीचे चले जाओ इस वाली लाइन में नीचे जाओ तो कौन मिलेगा, एच मिलेगा, बी इज इक्वल टू एच है ना, इस वाली एच पे अगर चले जाते हैं तो कौन मिलेगा, ए बी सी डी, ये डी है ना, ये डी है, डी बी सेम डिस्टेंस पे बैठा हुआ, किसी को डाउट है इसमें, देखो ए का नियरेस्ट कौन कौन है, ए का नियरेस्ट होगा एक तो ये जो उसके एकदम ए डिस्टेंस पे बैठा हुआ, ये भी ए डिस्टेंस पे बैठा हुआ, नीचे जाने से ये भी तो बैठेगा,
सेम इक्वल डिस्टेंस में, कोई डाउट है किसी को? ये सारे नियरेस्ट हैं। अभी ये सिंपल क्यूब मैं दिखा रहा हूँ, आप इसके लिए ऊपर भी जाना इधर भी जाना, गॉट इट? आगे बढ़ा लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लेना आगे चल के। किसी को डाउट है इसमें? जो हमने डायग्राम दिखा है इसमें मैं नियरेस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नियरेस्ट का मतलब अगर एक रेस्पेक्ट में बी सी डी की डिस्टेंस, बी और डी और एच की डिस्टेंस सेम है, तो अगर मैं सी की बात करूँ तो सी क्या बोला जाएगा एक रेस्पेक्ट में? व्हाट इज द सी? एन एन हो जाएगा, नेक्स्ट नेबर है ना, क्या बोल सकते हैं इसको? नेक्स्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट ऐसे बोल सकते हो, नेक्स्ट नेबर बोल सकते हो। इसे कोई डाउट है इसमें बताओ? सी डायगोनली मतलब जाना है, फेस के डायगोनल पर हम जा रहे हैं। फेस के डायगोनल इसको कितने मिलेंगे? वेरी 3 मिलेंगे। गुड, ये वाले फेस से यहाँ मिल जाएगा, ये वाली फेस से यहाँ चला जाएगा, ये पीछे वाली फेस से यहाँ चला जाएगा। मुझे लग रहा है इसको 3 मिलने वाले हैं। आप देख लो इसमें डिस्टेंस, आपको ये जो डिस्टेंस होगी √2a होगी ना, अगर ये भी ए है तो ये कितनी होगी? √2a के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं हम लोग, तो √2a के रिस्पेक्ट में सारे फेस के डायगोनल में चले जाए, तो नेक्स्ट नियरेस्ट हमारा आ जाएगा इसका सी ए के लिए। नेक्स्ट नियरेस्ट ऑफ अगर हम ए निकालते हैं तो √2a डिस्टेंस पे आएगा मेरा जो डायग्राम बना है, इसके रिस्पेक्ट में हम किसको किसको ले सकते हैं? सी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, और क्या लेंगे बेटा? जी। उसके बाद बताओ नेक्स्ट, व्हाट द टर्म यूज फॉर एफ? एफ क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में बोलो? व्हाट इज द पॉइंट, इसको क्या बोला जा सकता है एक रिस्पेक्ट में? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट ना, ट्रिपल एन। नियरेस्ट हमारा ये हो गया, मतलब बी था, उसके बाद जाओ उसके बाद में, पड़ोसी का पड़ोसी हो गया, ए का पड़ोसी बी है, बी का पड़ोसी सी है, तो सी का पड़ोसी कौन है? एफ हो गया। तो हमें यहाँ से मतलब ये बॉडी के डायगोनल पे जाना पड़ेगा, समझ आ रही? डायगोनल ही जाना पड़ेगा, तो बॉडी के डायगोनल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो बॉडी का डायगोनल आप निकाल सकते हो। बॉडी का डायगोनल कितना होता है? √3 है। वेरी जी गुड, हाँ √3 हो जाएगा। मतलब ऐसे आप ब्लॉक बना के भी देख सकते हो, ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक नहीं होते, ऐसे आप छोटे छोटे ब्लॉक बना के देख सकते हो ऐसे ऐसे करके, है ना? ये सिंपल ऐसे ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए होगी, अगर मैं यहाँ जा रहा ये भी ए है, तो मैं अगर इसके बाद यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? √2 ही हो जाएगा, है ना? इस तरीके से भी सोच सकते हो, ये इसका नियरेस्ट है, ये इसका नेक्स्ट नियरेस्ट है ना, नेक्स्ट नेबर माना जाएगा। उससे दूर भी चले जाओ, जैसा स्ट्रक्चर हो उसे इसमें देखा जा सकता है। चलो इस पे अभी तुम लोग की एनर्जी बची है कि खत्म हो गई एनर्जी, बताना। भूख लग जाए तो बोल देना तुम लोग, ठीक है ना? नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग में, हम लोग कहाँ थे? क्लोज पैक में हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स इन बीसीसी? तो बीसीसी का तो स्ट्रक्चर हमारा बॉडी सेंटर होता है, सेंटर के वॉल के रिस्पेक्ट में 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो जाएगा, ठीक है? सी बन जाएगा, नियरेस्ट नेबर के बीच के डिस्टेंस निकालनी है इसमें बीसीसी में, तो बीसीसी में रेडियस कितना होता है? √3/4। और डिस्टेंस बिटवीन टू एटम क्या माना जाएगा? डिस्टेंस अगर नियरेस्ट की बात करेंगे तो नियरेस्ट की डिस्टेंस कहाँ रहती है? बॉडी के डायगोनल में रहती है। कहाँ रहेगी? बॉडी के डायगोनल, क्योंकि बॉडी सेंटर बात कर रहा है ना, तो बॉडी सेंटर में, बॉडी के सेंटर में अगर बॉडी के डायगोनल में जाएंगे तब नियरेस्ट मिलेगा, क्योंकि तो मैंने बताया था कि बॉडी का बीसीसी जो होता है, बीसीसी कुछ ऐसा रहता है, इसमें ये कॉर्नर की बॉल, ये कॉर्नर की बॉल, ये भी कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर की बॉल कॉन्टेक्ट में रहती ही नहीं, तो आपको हमेशा कहाँ जाना पड़ेगा? बॉडी के डायगोनल पर जाना पड़ेगा। बॉडी के डायगोनल वाली बॉल कांटेक्ट में रहती है, ये बॉल कांटेक्ट में है, ये बॉल कांटेक्ट में, ये बॉल, हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, मतलब डी निकालना है। मैंने सिखाया था डी इजिकल टू कितना होता था? 2r। आर कितना होता है? √3/4 बन जाएगा ना, √3 a/2। नहीं समझ में आई? बीसीसी का फार्मूला याद करके रखो, बन जाएगा तुम्हारा। गॉट इट? नियरेस्ट तेरा जो बॉडी डायगोनल का हाफ भी कर सकते हैं ना।
वेरी गुड। हाँ वही वही तो किया भाई, वही बेसिकली हमारा जो टोटल बॉडी डायगोनल है उसके आधे पे आने के लिए वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना, रेडियस के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बॉडी डायगोनल का आधा कर लो, क्योंकि हमें 30 आइटम के पास जाना है। एफसीसी होता तो एफसीसी में हमें नियरेस्ट के लिए जो रेडियस हम निकालते थे आर इक्वल टू कितना होता था, 8.2√2। और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर की बात करें, इंटर आयनिक डिस्टेंस जिसको बोलते थे, वो होता था R2R इक्वल टू कितना होता है, 8.2√2 हो जाएगा। ये एफसीसी के लिए फार्मूला काम करता है, ये हमारा बीसीसी में काम आता है सिंपल क्यूबिक में। अगर सिंपल क्यूबिक है तो हमने पीछे देखा था एज इक्वल टू कितना होता है 2R, तो ये तो बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आगे का भी डिफेक्ट बता दूं मैं, प्रॉब्लम बनाएगा भी और भूख तो नहीं लगी ना किसी को। चलो 15 मिनट और पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम लगाओगे कि पढ़ोगे आगे, नितिका बोलो। तो कुछ भी कर सकते हैं। सर क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन ही कर लो क्योंकि अभी सब ठीक है बच्चे सर, का, हाँ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हो फटाफट। नेक्स्ट, कंसीडर द बॉडी सेंटर क्यूबिक डीई, एज सेंटर में FD एंड BD, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एटम लोकेटेड अलोंग द एज, एज पे जो बैठा हुआ फेस के डायगोनल में, जो बैठा हुआ बॉडी के डायगोनल में, आपको सबकी डिस्टेंस निकालनी है बॉडी सेंटर क्यूबिक में। बॉडी के डायगोनल पे जो एटम होगा, जो फेस के डायगोनल पे है, और जो एज के सेंटर में, इन सारी की डिस्टेंस निकालनी है। सोचो सबसे नियरेस्ट कौन रहेगा, बोलो। तो थर्ड ऑप्शन फेस डायगोनल, फेस फेस डायगनल, एज और बॉडी डायगनल। कंसीडर है बॉडी सेंटर अरेंजमेंट, लेट DE जो है वो एज सेंटर है, डिस्टेंस वुड बीन सक्सेसिव एटम लोकेटेड एट द एज, फेस के डायगोनल पे बैठा हुआ एटम है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमसे कहा आ रही है, एंड द बॉडी डायगोनल इन द यूनिट सेल, दिस ऑर्डर इज, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किधर होती है, फेस डायगोनल, एज डायगोनल, बॉडी डायगोनल। चलो हम इससे बात करते हैं पीछे, हम लोगों ने अभी अभी इस पर सर फोर्थ थोड़ा ऑप्शन हो गया। नहीं देख लेते ना डायग्राम से, तुम समझ में आएगा। देखो हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली इसकी बात करें, बीसीसी में बीसीसी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। बीसीसी कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी का जो सेंटर वाला बॉल होता है, मैंने से कहा था बॉडी का जो सेंटर बॉल होता है ऊपर के चारों बॉल के कांटेक्ट में रहता है, नीचे वाले भी चारों कांटेक्ट में रहते हैं, यानी कि सबसे पास में कौन रहता है, बॉडी का डायगोनल। पीछे हम लोगों ने इसी पे बात किया था, ये जो बॉडी के डायगोनल होके जाता है ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस मानी जाती है। फिर बोलता है कि अगर मान लो एज के सेंटर में रखे हैं तो कॉर्नर कॉर्नर की बॉल तो दूर दूर रहती है, एज के सेंटर में यहाँ कहीं पे बैठा रहेगा। एक तुम जा रहे हो, ये लेंथ हमारी ए है, फिर ये लेंथ हमारी ए है, ये फेस का डायगोनल है, तो फेस के डायगोनल पे जाओगे तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये तो मुझे लग रहा है √2 ए हो जाएगा, और यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, a/2 हो जाएगा। और यहाँ की जो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अभी भी मैंने से कहा था √3 a/2 है। इन सारे की वैल्यू पे ध्यान दो, √3 का सोल्यूशन अगर बनाओ तो 1.732 बनता है कि नहीं बनता, डिवाइड बाई 2 कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया, कितना हो जाएगा ये, ऐसे मैथमेटिकली मैं देख रहा हूँ कितना हो जाएगा, 0.8 के आसपास ना, 0.85 के आसपास ए, ये कितना होगा 0. ये सोल्यूशन चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम √3 बाई, ये कितना होगा, ये नियरली फेस के एज के सेंटर में अगर आता है 0.5 a,
1.58 आना चाहिए था। हाँ, रूट टू ए कितना होता है? 1.44। सबसे दूर कौन बैठा हुआ है? सबसे दूर तो इसमें हमारा ये फेस का जो डायगोनल ये जा रहा है ना, डायगोनली जो जा रहा है 1.44 आ गया। नेक्स्ट तुम्हारा दिख रहा है इसमें एज सेंटर का, तो ये मतलब है एज के सेंटर में जाएगा बॉल, 0.5 a पे आ जाएगा, a बाई टू। ये होता है रूट थ्री बाई फोर का आधा, यानी रूट थ्री बाई टू हो गया। रूट थ्री बाई टू का सोल्यूशन देखो, ठीक है, रूट थ्री कितना होता है? 1.732 डिवाइड बाई टू 0.85। चलो आंसर देखते हैं। आंसर में क्या आया है? फेस का डायगोनल सबसे बड़ा है, फेस का डायगोनल ऑप्शन में देखो क्या दिया है, आंसर में ऑप्शन सी दिया है सर। फेस का डायगोनल सबसे बड़ा दिखाया है, फिर एज का दिखाया है, उसके बाद बॉडी का डायगोनल सबसे पास में है। तो ये मैथमेटिकली तो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमारे पास बॉडी का, बॉडी वाले जो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं तो ये सही है, समझ रहे? स्ट्रक्चर के बेस पे वो सही है, गलत नहीं है। स्ट्रक्चर के बेस पे जो सिचुएशन है ना वो सही है, इसमें बॉडी के डायगोनल वाले एकदम कांटेक्ट में रहते हैं, तो हमें ऐसा देखने में तो लग रहा है कि हम एज को डायरेक्टली हमने दो दो से डिवाइड कर दिया। आपने देखा हम लोगों ने डायरेक्ट डिवाइड कर लिया, लेकिन ये कह रहा हो सकता है कि ए की बेसिकली मैग्नीट्यूड यहाँ एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं कितना गैप बनेगा। तो बॉडी अगर हम डायरेक्टली देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है जो बॉडी के सेंटर का बॉल होता है ऊपर के चारों बॉल के कॉन्टेक्ट में रहता है, नीचे के रहता है, तो बॉडी का सेंटर तो सबसे पास में है तो उसके बीच में डिस्टेंस हमेशा कम होगी। स्ट्रक्चर के बेस पर यह सही है, बॉडी का सेंटर सबसे पास आएगा, फेस का डायगोनल थोड़ा सा दूर जाएगा, एज का डायगोनल फिर आएगा, तो स्ट्रक्चर के बेस पर गलत नहीं है, दिस इज सही, और मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड के साथ ही जाना चाहिए। तो बॉडी सेंटर का मतलब है कि बॉडी के डायगोनल वाले एटम कॉन्टेक्ट में है, ठीक है ना? ये सही है मैथमेटिकली, तो हमें थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा था, लग रहा था कि मेरा जो बॉडी का डायगोनल है रूट एट के आसपास कितना आ जाता, 0.8 के आसपास आ रहा था ना, पहले 0.8 के आसपास, लेकिन स्ट्रक्चर के बेस को ये ज़्यादा सही है, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना ठीक नहीं रहेगा। नेक्स्ट लिखो ना, C4 वाला सॉल्व करो, C4 ऑप्शन 1 एग्जैक्टली सेम इन बोथ केसेस, अरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट टू लेयर वन अबव द अदर इन द एचसीपी एंड सीसीपी इज एग्जैक्टली सेम, नो पार्शियली सेम इन द पार्शियली डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नथिंग डिफरेंट। क्या लिखे? 2 लिखे हो तुम लोग? ऑप्शन 1 सर। फर्स्ट टू लेयर तो दोनों में सेम होती है, हाँ सही है, क्योंकि फर्स्ट लेयर नॉर्मल हम पैकिंग करते हैं, सेकंड लेयर को टीवी में लेके जाते हैं, दोनों में सेम है, थर्ड लेयर में प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या लिखा कि सेकंड में क्या लिखा रहा था? पार्शियली सेम एंड पार्शियली डिफरेंट, व्हाट दिस? ये थोड़ा सा ना मतलब इसका मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट होने में थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, पार्शियली सेम एंड पार्शियली डिफरेंट, पार्शियली सेम एंड पार्शियली डिफरेंट, बट डिफरेंट का कोई इसमें पैरामीटर है नहीं। बेटर होगा कि हमारे साथ ये ठीक है, फर्स्ट टू लेयर के विषय में तो कोई डाउट ही नहीं रखना, पॉसिबली डिफरेंट नहीं हो सकता, हमेशा सेम ही रहता है। थर्ड लेयर की बात करता है तो थर्ड लेयर इज गोइंग टू डिफरेंट फ्रॉम सेकंड, थर्ड लेयर दोनों की डिफरेंट मतलब दोनों में वेरिएशन आ जाता है, फर्स्ट लेयर नॉर्मल है, सेकंड लेयर टेट्राहेड्रल एलिवेट ऑक्यूपाई करता है, सीसीपी अगर है तो क्या करता था वो ऑक्टाहेड्रल एलिवेट ऑक्यूपाई करेगा, एचसीपी में वापस टेट्राहेड्रल एलिवेट ऑक्यूपाई करेगा, तो वी हैव टू गो विद द वन करेक्ट। नेक्स्ट C5 given below are the scheme of the 2D packing, so it will generate 3D closed packing, which of these will generate closed packed structure, सबसे अच्छा closed packed structure कहाँ बनेगा? Sir, not generate दिया हुआ, not generate, sorry यार, not generate, क्या लिखा आपने? एक में इसमें ए बी भी डाला, एक में ए बी सी ए बी सी, एक में इसने डाला ए बी सी ए बी बी सी ए सी बी सी, ओ व्हाट द ऑप्शन इज 4 में देखो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोलो
पार्क स्ट्रक्चर। पैटर्न पे दिमाग लगाओ, पैटर्न कौन सा सही होना चाहिए। नितिका बताओ कौन सा सही होगा। ये सॉल्व कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें लाइक कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है ना, एबीसी एबीसी वो जंबल करके दिया हुआ हमारे है। पहले दूसरे तो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें तो प्रॉब्लम है नहीं। बट इफ यू गो विद तो डॉट, सेकंड वाले में भी एबीसी फिर बीसीए दिया हुआ है। ए बी सी, उसका रिवर्स कर दिया ना, पूरा पूरा एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया। ए बी सी के बाद ए आता तो ठीक रहता। ए बी सी, सर आंसर में तो ऑप्शन 3 दिया हुआ, लेकिन ये सॉल्व कैसे करना है? हमें देखना है कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, मतलब तो जिसमें स्पेस ज्यादा आ जाए, जो आपने पैकिंग करके रखी है ना, उसमें पैटर्न एग्जैक्टली बहुत ज्यादा वेरिएशन आना चाहिए। ए बी ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर ए बी सी होता तो हमारा क्यूबिक होता, वो भी बहुत अच्छी क्लोज पैकिंग होती है। और लेकिन नॉट जनरेट क्लोज पैक स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमारे पास ए बी है। एक में ए बी सी, फिर आपने बी के ऊपर सी के ऊपर की बी की लेयर डाली, फिर सी डन सी। सर इसको हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे दो सेम लेयर्स जो बी बी वो एक साथ आ गई हैं, तो बीच में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस बच जाएगी। जहाँ सेम टू सेम लेयर आएगी वहाँ पे तुम्हारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला मतलब अलाइनमेंट हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस ज़्यादा आएगा। वॉइड्स नहीं ऑक्यूपाई होंगे ना वहाँ पे। नाउ दैट कैन बी वन ऑफ द थॉट, यू नो। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम लोग यही करते थे ना, ए टाइप आप पैकिंग कर देते थे ना, बॉल के ऊपर बॉल आ जाएगी। तब इसमें एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हाँ जी बेटा, एकदम सही है। सेम टू सेम बॉल अगर आपने रिपीट कर दिया, नहीं सेम टू सेम बॉल पैरेलल टू ईच अदर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हो गई, तो वहाँ पे स्क्वायर क्लोज जैसे सिस्टम बनेगा तो एम्प्टी स्पेस ज़्यादा बढ़ जाएगा कम से कम, और सारे में वेरिएशन डाल रहा है। असिद का थॉट सही है, ये सही होगा, करेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि तो अगर हम बॉल बदल रहे हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा तो कम से कम ग्रुप्स में लेके जाएंगे, और बॉल के ऊपर बॉल रख देंगे तो सेम पैटर्न आ जाएगा, और सेम पैटर्न आने से प्रॉब्लम आती है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग जैसा पैटर्न बनने लगेगा, फिर वहाँ पे हमारी एम्प्टी स्पेस ज़्यादा बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑक्टेंडल वाइड इन फेस सेंटर क्यूबिक आर लोकेटेड एट। टेट्राहेड्रल वॉइड तो सारे कॉर्नर में रहता है, ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने बताया था कहाँ कहाँ रहता है, याद होगा किसी को। एज सेंटर सारे एज सेंटर में रहता है। हाउ मेनी एज सेंटर्स आर देयर, 12। ऑल 12 एज सेंटर में सेंटर हमारे बॉडी डायगोनल वन विल बी इन बॉडी डायगोनल, वेरी गुड, मतलब वन विल बी इन बॉडी सेंटर ना। 12 कैसा हमारे, बॉडी डायगोनल हाँ सेंटर एक बॉडी सेंटर में, वेरी गुड, एकदम सही है। एज वाले का कंट्रीब्यूशन कितना माना जाता था, 1/4, और बॉडी का जो सेंटर में रहता है पूरा पूरा काउंट होता है। नेक्स्ट इसको देखो, C7, ये याद करने वाला है, पीछे भी था एक बार क्वेश्चन आया था, है ना, नोबल गैस हीलियम किसका है कौन से सर? हीलियम याद होगा तुम लोगों को, ये कई बार अगर क्वेश्चन बनाया रहो तो याद रहता है। नेक्स्ट, FCC में आपकी एज लेंथ दी है, नियरेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, आर इज इक्वल टू अपॉन 2√2 से कितना आएगा, एज इक्वल टू डी आर 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 हमें मान, एज लेंथ मालूम है, क्या निकालना है तुम्हें, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ए अपॉन ऑप्शन 1 सर। रूट टू से डिवाइड कर दो ना, 1.414 से 360 PM देख लेना इसमें, क्योंकि दो ऑप्शन 300 के रेंज में आ रहे हैं, एक 360 एक 398, है ना, तो ये डिवीजन करने के बाद एग्जैक्टली क्लियर होगा। डिवाइड किया किसी ने, C8 देखो डिवाइड करके कितना आता है, तो 360 पिकोमीटर आ रहा है। चलो। नेक्स्ट C9, इन अ CCP स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द 3D अरेंजमेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर्स आर रिपीटेड। वेरी गुड, एवरी सेकंड अल्टरनेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वेरी, ABC, ठीक है करेक्ट, तो हम ए बी सी में चल रहे हैं, लास्ट में ए आएगा, फोर्थ लेयर बनी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर क्रिस्टलाइज्ड इन दिस 100 क्यूबिक, एटॉमिक रेडियस इतना दिया, एक्चुअल लेंथ ऑन एन एज ऑफ द कॉर्नर कॉपर,
एटॉमिक रेडियस दिया है, एक्सियल लेंथ ऑफ एज ऑफ द पार्टनर, एज बतानी है तुम्हें, आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए पॉइंट टू रू टू, एज इक्वल टू टू रू टू आर हो जाएगा ना, टू रू टू से मल्टीप्लाई कर दो, सिखाए बेटा ये सारे बनने वाले हैं, फटाफट बन जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देना बस, बन जाएगा तुम्हारा सी इलेवन बन जाएगा, किसी में डाउट इसमें ओरल क्वेश्चन बनेगा ही, मैक्सिमम परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अवेलेबल है, 74%। ये का लिखा मैक्सिमम परसेंटेज वॉल्यूम अवेलेबल कैन बी फिल्ड इन फेस सेंटर टू दिस, इस क्वेश्चन को सर कैसा जितनी वॉल्यूम फिल कर पाएंगे ना वो तो ऑक्यूपाइड वाली लेंगे। 26%। नहीं सर 74। ये क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज घुमाया, खाली क्वेश्चन को खाली समझ लो बस, और कुछ है नहीं आंसर यस सर 26%। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड, जिसको भरा सकता है, मतलब जितनी ऑक्यूपाई कर सकते हैं तो फिर ऑक्यूपाइड वाली लिखेंगे ना, ए ऑप्शन। ऑक्यूपाई तो एम्प्टी स्पेस होएगी ना। सब अपन इंग्लिश इंग्लिश पे ध्यान दें, क्वेश्चन में दम नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन फिर से पढ़ो, रिपीट रिपीट करो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम आपसे पूछ कर रहा है, अवेलेबल वॉल्यूम पूछ रहा है कि तुमसे ऑक्यूपाई पूछ रहा है, अवेलेबल वॉल्यूम पूछ रहा है ना, अब कैसे ऑक्यूपाई करेंगे इसके विषय में नहीं बता रहा है, वो अवेलेबल पूछ रहा है ना फाइनली, दैट कैन बी फिल्ड अभी भरा नहीं गया, बाद में भरेगा बोल रहे हैं, क्या आंसर दिया है, 26 के रेंज में जा रहे हैं, 74 दिया सर, वो पूछ रहा है कि जितनी स्पेस टोटल अवेलेबल है उसमें से वो भर कितनी सकता है, तो वो तो फिर ऑक्यूपाइड वाली लिखेंगे ना। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इन फेस सेंटर टू बी, दैट कैन बी फिल्ड एफसीसी को सर, जो वैकेंट वाली होगी वो तो भर ही नहीं सकते, वो तो फिर आएगा ही नहीं, लेकिन जितनी भर सकते हैं वो तो ऑक्यूपाइड ही होगी। लास्ट में इसने बदल दिया, दैट कैन बी फिल्ड यानी जो पहले से भरा हुआ उसको भरना नहीं है, ये है देखो ये लैंग्वेज ना खतरनाक वाली है, ये वाली लाइन ना ये गलती कराएगी है ना, देखो सबसे गलती हो रही है ना, हर से पढ़ा इसको, देखो ये लाइन पूरी गलती करने वाली लाइन है, पहले सर बोल मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो एफसीसी में क्या तुम 74% से ज्यादा तो कभी कुछ भर नहीं सकते हो, अब एफसीसी कह रहा है एक यूनिट सेल है उसकी ओवरऑल वॉल्यूम तो 100% मानेंगे ना, बात समझ रहे हो मेरी बात, उसमें से कितने परसेंट को तुम ऑक्यूपाई कर सकते हो अगर एफसीसी बना रहे हो तो मतलब ये थोड़ा सा ना, देखो आंसर में क्या दिया है 76 74 दिया है, यस सर हां जी सर 74 दिया, ये थोड़ा सा ना ये मतलब लैंग्वेज को ना थोड़ा सा घुमा दिया है, एक्चुअली बोलता मैक्सिमम खाली अवेलेबल स्पेस बोलता तो अलग बात है, फिर बोलता कैन बी फिल्ड इन एफसीसी, मतलब एफसीसी बनानी है, एफसीसी में तो फील्ड की बात लास्ट में फील्ड की बात पूछ लिया इसने, खाली ये लास्ट वाला लाइन हटा देता ना कैन बी फिल्ड वाली तभी ये हमारा आंसर होता 26%। आई होप दिस विल बी द यू नो रियल मीनिंग, ये लास्ट में जो बोला ना फील्ड है तो एफसीसी को बोला है कि एफसीसी में टोटल तो 100% वॉल्यूम है, उसमें से हम कितनी भर सकते हैं वो 74 होगी। हाँ वही मैं कह रहा था, ये लास्ट वाली लाइन से इसने घुमाया है वो पूरे पूरे क्वेश्चन का रिवर्स मारा है, आप बच्चा इसमें शुरुआत की लाइन से आंसर लिखेगा, परसेंटेज अवेलेबल लिख देगा 26%, आधी वाली लाइन पढ़ता ही नहीं बच्चा, तो ये तो थोड़ा खतरनाक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, ये पढ़ा हुआ है तुम्हारा, तुम लोगों का निकाला हुआ है वॉल्यूम ऑफ एक्स सिटी यूनिट सेल कितना होता है सर 24√2r³ करेक्ट ऑप्शन वन। नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेस एबी एबी एबीबी का मतलब एक्ससीपी एससीपी में, अब ये सही बोला फ्रैक्शन ऑफ 0.26
0.26। नेक्स्ट से बोलता है, नेक्स्ट, व्हाइट्स आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज, व्हाइट प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज क्यूबिक क्यूबिक टेट्रागोनल ऑक्टाहेड्रल ट्रायंगुलर, क्यूबिक बनेगा क्योंकि चार हम नीचे रखते हैं, चार ऊपर रखते हैं, तो पूरा क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाता है ना सिंपल क्यूबिक में। तो इसमें भी चार होते हैं लेकिन हम टेट्राहेड्रल कंसिस्ट नहीं करते, कंसीडर नहीं करते। क्यूबिक होल। नेक्स्ट, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द शेडेड बॉल, ये तो बना लोगे आप, डायग्राम इज कॉल्ड, छह तीन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाँ तीन ऊपर तीन नीचे तो छह बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाँ जी करेक्ट है। नेक्स्ट डी थ्री, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टेटल वाइड इज सिक्स। सिक्स। सिक्स नेक्स्ट, केटायन सी फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड एन आयन ऑक्यूपाई टू थर्ड ऑफ द ऑक्टेटल वाइड, द जनरेट द फार्मूला ऑफ दिस, बना लो। C3A2। बना लिया सबने? ऑप्शन 3। यस सर। कल तक तुम लोगों को सीट सबमिट करनी है, सबने सबमिट कर दिया कुछ कुछ, किसी ने सबमिट किया कि नहीं अभी तक? सर गूगल क्लासरूम पे ऐड नहीं हो रहा ईमेल आईडी, स्कूल किसकी? वाला। स्कूल वाले में नहीं ऐड है, किसका किसका नहीं ऐड है, मैसेज कर देना। एक तो अभी इसका हरलीन का खाली, नया जो बच्चे है उसका नहीं है, और किसी का तो होगा सबका। तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दे PDF। हाँ नहीं नहीं पीडीएफ नहीं, तुम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खाली चाहिए, अगर जिसका जिसका अगर मान लो नहीं हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर याद है नहीं सर। तो व्हाट्सएप पे भेज देना फिलहाल, लेकिन हम उसको बोलो तो उसको करवा देंगे ना, जरूरी है ना, फिर तो काम फंसेगा ना, पेपर देना है अभी, पेपर भी सारा उसी पे आएगा ना। खाली अच्छा नाम भेज दो जिसका जिसका पेंडिंग है, एक तो इसका हरलीन का है जो न्यू स्टूडेंट है, और किसी का जिसका जिसका पेंडिंग है आप भेज दो, मेरा भी पेंडिंग है। ठीक आप मैसेज कर दो बेटा, आई विल सेंड टू है सर। नवदीप सर सो दैट ही विल डू बाय टुडे सर, कल से कल तक कर दे, मैंने बोला हुआ है उनको, लेकिन वो भी वेटिंग में डाल के रखे थे। मैंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक ये बन जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक्स हमारे पास है, वाई आइटम 1/2 एन ऑक्टाहेड्रल होल 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ये भी बन जाएगा। X4 by 5। हाँ ठीक है, ऑप्शन 2। मैक्सिमम लाइट दैट्स लाइट फार्मूला लिखो कि जनरल लिखो, एम्पिरिकल निकाले तुम लोग, मतलब रियल वाला निकाले हो ना, एक्स को 4 मान के चले हो, डायरेक्टली बन गया। ये बन गया सबका, किसी का डाउट है तो बोलो, इसमें बताएं मैं। हर्षित बन जाएगा, यस सर। नेक्स्ट एट वाला, अच्छा क्वेश्चन है भी, सीसीपी स्ट्रक्चर एक्स आइटम है, वाई आइटम ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टेटल वाइड, इफ वाई आइटम एंड एक्स आइटम फ्रॉम ईच यूनिट सेल डिस्प्लेस बाय जेड, देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, सोल्यूशन बताऊं मैं कि इसका बन जाएगा, देखो डी एट डीएड का, डीएड किसी को डाउट है डीएड में? हाँ देखो डाउट आया तो फिर बता दो, मैं बता दो एक बार। डीएड इसमें क्या क्या पड़ा है, सीसीपी का है हमारे पास, एक्स आइटम है, एक्स आइटम है सीसीपी में जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई आइटम, एक वाई आइटम है जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं,
देर इज एक्स एटम फ्रॉम ईच यूनिट सेल इज डिस्प्लेस बाई वन ऑफ वाई एटम एंड एक्स एटम। बाद में अलग से कंडीशन है, पहले इस पे हम काम कर लेते हैं। पहले एक्स हमारा सी सी पी है, तो हम मान लेते हैं एक्स हमारे पास है ना, अगर ठीक है ना, एन के रिस्पेक्ट में चलते, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वाई भी एन हो जाएगा। सी सी पी को हम अगर एफ सी सी जैसा लेते हैं, तो हमारे पास एक्स फोर होना चाहिए था, ठीक है। हाफ ऑफ ऑक्टेंडल वाई ले रहा था क्या, हाफ ऑफ जा रहा है इसमें, वाई इज ऑक्यूपाइड हाफ ऑफ द ऑक्टेंडल वाइट्स, तो ऑक्टेंडल वाइट्स हमारे पास जितनी भी उसकी आधी ले लो यहाँ पे, एन से एन कैंसिल हो गया। अगर हम इसके बेस में देखें, तो अगर एक्स वन है तो वाई कितना, वाई बाई टू हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बन सकता था हमारा, एक्स टू वाई वन। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट फार्मूला देखें, तो हमारे पास एक्चुअली कितना होता, एक्स फोर होता, वाई होना चाहिए था फोर का वन बाई टू, कितना हो जाएगा एक्स फोर वाई टू। किसी को डाउट है इसमें, यहां तक ठीक है ना बेटा? यस सर। अब ये कहता है हमारे पास कि आपके पास ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम है, इनमें से कहता है कि इफ वन वाई एटम एंड वन एक्स एटम ईच यूनिट सेल आर रिप्लेस बाय जेड। एक इसने इसमें से वाई हटा दिया, एक इसमें से एक्स हटा दिया, एक्स में से माइनस एक्स हटा दिया, इसमें से एक माइनस वाई हटा दिया, इससे इसने क्या डाल दिया, जेड डाल दिया, इधर भी जेड डाल दिया, तो क्या होगा, एक्स के रिजल्टेंट कितने बचेंगे, थ्री, वाई के रिजल्टेंट कितने बचेंगे, वन, और जेड कितना आ गया। बात समझ में आ रही है, एक्स फोर था तो थ्री हो गया, वाई टू था तो उसको मैंने एक कर दिया, जेड कितने आ गए, दो आ गए। क्लियर, नेक्स्ट बोलो। डी नाइन देखो, डी नाइन भी बन जाएगा कि मैं बताऊं इसको, देखो फेस हंड्रेड क्यूबिक है, एक्स एंड वाई, एक्स आइटम ऑफ फेस हंड्रेड कॉर्नर है, वाई आइटम ऑफ फेस हंड्रेड, ये तो बन जाएगा है ना। मैं शेयर करूँ स्क्रीन दोबारा, अब इसके बाद भूख भी लग जाएगी। ये हो गया नेक्स्ट डी नाइन, देखो डी नाइन में किसी को डाउट है, कॉर्नर होगा तो एट इंटू वन बाई एट वन हो जाएगा, वाई इंटू आपका सिंपली वाई एक्स वाई थ्री फेस सेंटर, हाँ फेस सेंटर में कितना हुआ, सिक्स इंटू वन बाई टू यानी कि थ्री, एक्स वाई थ्री, एक्स वाई थ्री कौन है, हाँ ये ऑप्शन नहीं, ठीक है नेक्स्ट। ये तो आसान सा क्वेश्चन हमने सब बनाया हुआ, हमें लग रहा है कि पी एन क्यू है, क्यू आर इन सी सी पी, तो क्यू को हमने ठीक है कोई बात नहीं, पी ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वाइड्स, तो Q जितना लेंगे P उसका कितना होगा, डबल P टू Q है, ऑप्शन थ्री करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है D11, टेट्राहेड्रल वाइड वॉइड इज सराउंडेड बाय फोर स्फीयर्स, नेक्स्ट डबल ट्रायंगुलर वाइड सराउंडेड बाय थ्री स्फीयर अबव एंड थ्री, क्या कह रहा है ये, ऑक्टेंडल वाइड्स बन जाए, ऑक्टेंडल वाइड्स, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट डी थर्टीन, क्लोज्ड फॉग लैटिस नंबर ऑफ ऑक्टेंडल साइड्स कंपेयर टू टेट्राहेड्रल साइड्स वन बी, हाफ नंबर ऑफ ऑक्टेंडल वाइड्स विद रिस्पेक्ट टू, उल्टा बोल दे तो डबल हो जाएगा ना, टेट्राहेड्रल वाइड बोलता उसके रिस्पेक्ट में तो डबल हो जाता है। आयनिक सॉलिड और इसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, चलो तुम लोग अब आगे इसको कर लेना, जो डाउट आता जाए इसको व्हाट्सएप पे भेजते जाना, ठीक है ना, उसको हम करा देंगे। पिछले में कुछ कुछ डाउट था जिसका 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 व्हाट्सएप आया था, मैंने करा दिया था, तो अब करते समय आपको कहीं डाउट आता रहे तो उसको कर लेना। सर आयनिक सॉलिड वाला भी रहने देना, क्योंकि अभी हमने